परम सत्कार योग प्रिंसीपल साहब, गुरु अंगद देव कॉलेज खडूर साहब, प्रिंसीपल साहिबा, गुरु अंगद देव सिक्ख्या कॉलेज खडूर साहब, तो बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, तो सत्कार योग अध्यापक साहबान जीओ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपने वड्डे पाक समझदा कि धन गुरु अंगद साहिब जी की बरसाई है नगरी, उत्थे विद्या का दान देने वाले अध्यापक साहबान, विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के मैं दर्शन कर रहा। मैं बड़ा चा सी तुहाडे दर्शन करन दा, क्योंकि तुसी हर रोज़ मेरे गुरु पिता जी की वो बरसाई धरती नूं चुम्मदे हो, नमस्कार करदे हो। और बाबा सेवा सिंह जी ने जिहड़ा इत्थे बूटा लाया होया, वह अपने आप च एक मिसाल है कि विद्या का चानण किदां लुड़ींदा है समाज के विच फैलाउणा। सो मैं तुहानूं कोई उपदेश देण दी समर्था नहीं रखदा, ना ही मैं तुहानूं कोई व्याख्यान करना है। मैं तुहाडे नाल अपने दर्द दीआं कुछ बातां जरूर सांझीआं करनीआं ने। आपां ना सारिआं नूं दर्द लगे हुए ने। इह थोड़ा डूंघा जाइओ, मैं तुहाडे नाल आम जिहां गल्लां नहीं करनीआं, पर रोज़ ही करदे आं, है ना। आपां इत्थों हुण फ्लाइट लैणी है, इक इन्हां ने जहाज़ ते सफ़र कीता, जदों देख रहे चढ़दा जहाज़ वे कन्न बौले जे हो जांदे आ, है ना, ते अपने भी कन्न थोड़े जे हुण भारे जे होणगे। आपां इत्थे नहीं रहना, हुण जिहड़ा आउण वाला अगला दो घंटिआं दा समां आपां बतीत करना ना, आपां सारिआं ने भावें फोटोआं भी ना खिचो, हिलजुल जिहड़ी खुड़ कुर्सियां दी भी बाकियां नूं दिक्कत दिंदी है, जिथे थां बह जाओ, निक्का जिहा खड़का भी एकाग्रता नूं दिक्कत करेगा। क्योंकि तुहाडे नाल मैं दर्द की गल करनी है। जिस समाज में आपां वरत रहे हाँ ना, जिथे आपां वसदे हाँ, जिथे कम कार करदे हाँ, इहनूं बहुत दर्द ने। तो समाज की आदत पता की बन गई है, ये पेन किलर लैके जिउंदा है ना। दर्द तो अंदर ही होंदा, उपरों कॉम्बी फ्लेम खा लैंदा है ना, दब जांदा, दर्द नहीं खत्म होया होंदा, वो असी उन्हूं मसल्स नूं उहदी सेंस खत्म कर दिंदे आ कि सेंस नहीं हो रहा दर्द। तुसीं देखो साडियां टैक्नीक्स, देखो आपां करदे की आ, असीं दर्द नहीं प्रिंसीपल साहब खत्म कर रहे, असीं अपने ऑर्गन नूं कहिंदे तूं दर्द नूं छड्ड दे। दर्द विच ही है, रोग अंदर ही है। कुदरत ने ढांचा बनाया, वो थोनों दसदा अपने ढंग नाल उस चीज़ को पकड़ के कि अंदर कोई खराबी है, सिग्नल दे रही है बॉडी, इदा मन भी सिग्नल दे रहा है। जिवें कॉम्बी फ्रेम शरीर के दर्द मार दिंदी है, इदा ही माया जेडे मन के दर्द ने उन्होंने दबा दिंदी है। माया के सुख इन्ने इहोजे खिचवें होंदे आ ना, उन्हां दे विच असीं स्वार्थी हो जाने आ, सानू दूजियां दा दुख अपना दुख महसूस नहीं हुंदा, असी बाकियां तो टुट जाने हाँ, इन्ना टुट जाने हाँ, हौली हौली अपने भैन भरावां तों भी टुट जाने हाँ, माँ बाप तों भी टुट जाने हाँ, बच्चों तों भी टुट जाने हाँ। तो असी सिर्फ सैल्फ सेंटर्ड हुंने हाँ, अपने अपने ही सुख वास्ते, सिर्फ अपने सुख नूं बरकरार रखण लई माँ छड़नी पवे छड़ दिंदे हाँ, बच्चे छड़ने पैण छड़ दिंदे हाँ, भैन भाई छड़ने पैण छड़ दिंदे हाँ, समाज तो बहुत पहलां छड़ दिंदे हाँ। इस दर्द नूं सांभ के आपां कुछ बातां पाउणियां ने। मैं इहनूं पुरातन विद्यक प्रणाली नहीं कहिंदा, इह साडा बहुत वड्डा भुलेखा है, इक नवीन है, इह पुरातन है, इह मेरे गुरु दी दित्ती होई प्रणाली है। ते सतगुर मेरा नीत नवां, उह तां रोज़ ही नवां, उहदी प्रणाली नूं तां मैं पुरातन कह ही नहीं सकदा, क्योंकि तां नीत नवां है। पंजाब दी विरासती वित्तक प्रणाली नूं समझण तो पहला कि इहनूं किवें सुरजीत करिए, तो पहला एक गल दा खुलासा आपां करदे आं भी इह सुरजीत क्यों करनी है। अक्सर आपां कोई भी काम करिए पहला उहदा क्यों करिए भी है ना, अजकल दा बच्चा दा बड़ा तर्कशील है, तो मैं उहनूं वैलकम कहना, जी आयां नूं कहना, कर लै तर्क। विरासती वित्तक प्रणाली किवें सुरजीत करन तो पहला महत्वपूर्ण है, इहदी विचार करनी, इहनूं सुरजीत क्यों करिए, फॉर वट परपज़, इह क्यों क्यों चाहीदी है।
मैं इनू इंज लिखिया है कि मनुखता नू एके दी लड़ी विच परो के खुशहाल समाज की सिरजना लई सानू पंजाब दी विरासती विद्यक प्रणाली मुड़ सुरजीत करनी पवेगी। जे तुसी चाहुंदे हो समाज नू खुशहाल करना तां पहला मनुखता नू एके दी लड़ी च परोना पैंदा है ते फिर समाज खुशहाल हुंदा है। ते हुण देखना यह है भी की साडी जिहड़ी विद्यक प्रणाली है उहदे विच समाज नू खुशहाल बनाउण दी समर्था है। गूगल करो डिवेलप्ड नेशन की परिभाषा पढ़ो विकसित मुल्क किहड़े हुंदे ने खुशहाल समाज खुशहाल देश विकसित देश किहड़े हुंदे ने। जिहड़ी अज की परिभाषा ना यह बहुत बौणी परिभाषा है। पढ़ो विश्वव्यापी विद्वाना दियां लिखियां होईयां लिखतां नूं जिन्हां दे आधार ते नियत हुंदा है कि किहड़ा मुल्क विकसित है। उहदे विच सिर्फ पदार्थ है पैसा आ फिजिकल डिवेलपमेंट नूं आधार मन्निया जांदा है। ते मैं तुहाडे सामने वह तस्वीर रखण लग्या जिस विद्या ने तुहाडे मुल्क नूं तुहाडे पंजाब नूं विकसित किया जे वह परिभाषा ते ला के देखी तो अब दुनिया का कोई भी मुल्क विकसित नहीं है। वह परिभाषा की सी जिहड़ी साडी पंजाब दी विरासत है। हुण आपां इहनूं पुरातन किवें कह सकते मैं तो इनू विरासत ही कहना मेरी ये मेरी लीगेसी है ये मेरी विरासत है। ये कभी भी पुरातन नहीं होगी क्योंकि ये विरासत ने साढ़े लिए एडा वड्डा मील पत्थर तय किया होया पुत्र जी जिहड़े अज दे विकसित मुल्क ने इहदे पैमाने ते किते भी नहीं खड़दे। जे पंजाब दी जिहड़ी डिवेलपमेंट सी उस पद्धर ते अज दे डिवेलप्ड नेशन नू खड़ा किया जाए तो बहुत बौने रह जांदे ने। मैं फिर इस गल नू दोहरावांगा जे पंजाब जिस कद दे उत्ते खड़ा होकर विकसित होया सी उस कद नू पैमाना मन लिया जावे कि दुनिया दे विकसित देश किहड़े नापण दे लई तां अज दुनिया विच कोई भी मुल्क विकसित नहीं है। वह पैमाना की है ये पंजाब दी विरासत दा पैमाना है कि 19वीं सदी दे पहले अद्ध विच पंजाब दा हर नागरिक पढ़ चुकिया सी और विद्या म्यारी सी विद्या देण दे ते विद्या प्राप्त करन दे बहुत प्यारे सिद्धांत सन। पंजाब दियां सेहत सेवावां अव्वल सन। विदेशी लोग इत्थे अपना इलाज कराउण लई आया करदे सन। राजिआं महाराजिआं नूं जो दिक्कतां आउंदियां सी तां उह आ के पंजाब दे दवाखानिआं चों जड़ी बूटियां मंगिआ करदे सी। पंजाब दियां हैल्थ सर्विसिज इन्नियां एक्सलेंट सन कि पंजाब दे हर बछिंदे नूं सेहत सेवावां उपलब्ध सन। अज कनेडा चले जाओ US चले जाओ थोड़ी अपॉइंटमेंट की वारी नहीं आती तीन तीन महीने। विद्या म्यारी नहीं है। पंजाब बहुत ही पावरफुल सी। वो राणी जी दे राज दे विच सूरजनी छिपदा सी उहदियां फौजां सतलुज तों अगे वेखणों धुंधला हुंदियां सी अखां उहनां दियां। उहनां दी समर्था नहीं सी। इह सारा भारत 18वीं सदी के आखिरी अद्ध तक काबू दे विच कर लिया सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पर पंजाब वल देखण दी हिम्मत नहीं सी। पंजाब दे सुरक्षा बल इन्ने शक्तिशाली सन। पंजाब दी आर्थिकता बहुत मजबूत सी। बेटा जी अज इंग्लैंड दा एक पाउंड साढ़े इत्थे आउंदा है तो उहदी कीमत 90 रुपया तो 100 रुपया तक टपदी रहिंदी है। वह वक्त सी 19वीं सदी दा जदों तुहाडा सिक्का इंग्लैंड विच जाके 13 गुणा हो जांदा सीगा। पंजाब दे एक सिक्के दे 13 पाउंड मिलदे सी UK दे। साडी आर्थिकता एडी मजबूत सी। धार्मिक आजादी लोकी कागजां च पढ़ाउंदे ने लिखियां हुंदियां ने किताबां दे विच बट पंजाब दुनिया दा एक ओह खिता सी जिथे हर मनुख नूं अपनी आस्था मुताबक अपने पसंद दे नां लै के रब नूं याद करन दा अधिकार सी। अमल दे विच कागजां विच नहीं। दुनिया विच अज तक भी ऐसा कोई खिता नहीं है जिहड़ा इन्नी खुल हुंदा होवे जिन्नी पंजाब ने दित्ती। पंजाब दे विच मनुखी अधिकार सुरक्षित सन। पंजाब एक इको एक मुल्क सी 19वीं सदी विच सिर्फ इको एक मुल्क जिथे औरत आजाद सी। अज अपने आप नूं विकसित कहण वाला यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इन्हें पता औरतां नूं वोट पाउण दा अधिकार कदों दित्ता? पता कदों दित्ता?
शाबाश कौन दसूगा? हाँ हाँ तुसी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठे हो, बहुत तिखे दिमाग तुहाडे, बहुत पढ़ते हो, शाबाश दसो। अमरीका ने औरत नू वोट पाउण दा अधिकार कदों दिता? 1920 दे विच। 1920 तक अमरीका दे विच औरत नू वोट पाउण तक दा वी अधिकार नहीं सी। ते साडे गुरु नानक साहब ने 15वीं सदी दे अध दे विच औरत दी आजादी दी आवाज़ बुलंद कीती। ते 19वीं सदी दे आरंभ दे विच गुरसिखा ने ऐसा एक सिंघासन सिर दिता, खिता सिर दिता, इत्थे औरत दी आजादी सी, मनुखी जाति दी समानता सी। सो ए साडी विरासत है। इस कसवटी ते अज दा कोई विकसित मुल्क खरा नहीं उतरदा। ते साडे विच दौड़ लगी है, असीं बौरे होए हां, कमले होए हां। जिवें हुणे प्रिंसीपल साहब इशारा कर रहे सी ना साडे वित्तक दायरिआं विच, कि बाहरों पता नहीं की उतर के आऊगा जिहड़ा सानूं पढ़ा दूगा। और साडी जिहड़ी विरासती वित्तक प्रणाली है उहनूं असीं पुरातन कह के ठुकरा दिंदे हां, और सानूं पता भी नहीं उह वित्तक प्रणाली की सी। सो अज आपां उहदे कुछ खुलासे करांगे। इस विद्यक प्रणाली नूं अमल विच लियाउण लई बहुत मेहनत की लोड़ है, बहुत सिलसिलेवार व्योंतबद्ध मेहनत लोड़ींदी है। अज आपां सिर्फ इहदी आरंभता कर रहे हां भी सानूं इहदी भिणकता पवे ना, अज भिणकी पावांगे भी इहदे विच ताकत की सी, इहदे विच समर्था की सी। मैनूं भरोसा कि तुसीं इस हॉल तो बाहर जाण लगे इन्ना कु समर्थ जरूर होवोंगे कि अपने आप ते पैमाना ला के जरूर देख सकोगे कि असीं उस विद्यक प्रणाली दे उत्ते किते माड़ा मोटा भी कसवटी दे नेड़े तेड़े पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहे। बड़ा वड्डा भरम पै गया, बड़ा वड्डा भुलेखा पै गया। मैं बड़े भरे दर्द नाल ये गल कहा करदा कि अज साडे कोले किसे चीज़ की घाट नहीं है। साडे कोले दर्जना नहीं, सैकड़े नहीं, हज़ारा नहीं, दुनिया के कोने कोने में लखां गुरद्वारा साहिबान ने, और विद्यक अदारे भी बहुत ने। पर मैं भरे दिल नाल कहा करदा कि पंजाब की विरासत की विद्यक प्रणाली किसे कोले भी नहीं हैगी। आपां आपो अपना मुलांकण करना है हुण इहदे उत्ते, जिवें जिवें अगे वधांगे कि असीं अपनियां जिहड़ियां घोड़े दियां लगामां ने डक के मुड़ के विरासत वल किवें लै के आउणियां ने, ते उहदे लई आउण दे लई सानूं किहड़ियां किहड़ियां विधियां वल ख्याल देना जरूरी है। हुण पंजाब दी विरासत दा उदय कदों हुंदा? मैं तुहानूं इक अज पूरी झात दवांगा इहदा उदय तों लै के इहदे पतन तक दी। पंजाब दी विरासत दा उदय कदों होया वी? शाबाश। मैं कुछ सवाल तुहानूं नाल नाल करांगा, मैनूं साथ दिओ नहीं मैं भी भुल भाल जाणा। हाँ जी शाबाश। पंजाब दी विरासत दा उदय कदों होया? उदय की हुंदा? वी सूरज चढ़दा है। जिहड़ी माणमती विरासत है उहदी आरंभता कदों होई? बोलो शाबाश, कौन दसेगा? की गल संगदे हो बच्चे? तो असीं बहुत होशियार हो, दसो भी। जे मेरा साथ नहीं दवोंगे फिर मैं भी थले बह जाणा। हथ खड़े करो, कौन दसेगा पंजाब की विरासत का प्रकाश कदों होया? शाबाश, बह जाओ। ये कहते ने महाराजा रणजीत सिंह के काल में पंजाब की विरासत का उदय होया? नहीं, गलत है। शाबाश, होर कौन दसेगा? हाँ तुसीं हथ खड़ा किया, बहुत वधिया, शाबाश, बैठ जाओ। इस विरासत का उदय होया गुरु नानक पातशाह के आगमन के नाल। यह धरती पता की सी? पहला हमला इस धरती के उत्ते पता कदों होया? लुट खसुट कदों शुरू हुई? मैं तुहानूं अज पूरे इतिहास के दर्शन कराने हैं। मेरी बेनती है, इन्हें हत्थां च फोन ने, ऑन ने जां ऑफ ने, कृपा करके बंद कर दिओ सारे जणे, ते आपां केंद्रित हो सकीए एक एक मुद्दे उत्ते। बहुत गंभीर ते दर्दनाक गल मैं तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा। पहला हमला इस धरती ते 711 दे विच हुंदा है। कौन करदा है? धरती नूं लुट्टण कौन आउंदा? मुहम्मद बिन कासम। 711 तो बाद लगातार यह धरती लुट्टी जाती रहती है। 1202 च मुहम्मद गौरी आके इतने सिंघासन अपना नियत करता कि मैं इतने बैठ के राज करांगा। यह 711 तो 1202 तक आते लुट के चले जाते।
तो 1202 ने सिंघासन अपना ला लिया। तो फिर उदू बाद दूसरे आते रहे, कोई इधरों आया कोई उधरों आया। तो जो गुरु नानक पातशाह ने प्रकाश धारिया तो उस समय बाबर भी आया। तो यह धरती बड़ी लुट खसुट की धरती से, यदि बहुत चीर फाड़ हो चुकी सी। डॉक्टर इकबाल ने लिखा यह धरती खिलरी पई सी। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल कहिंदे वे धरती पाट चुकी सी, धर्मां दे नां दे उत्ते निके निके सैक्ट बन गए सन, लोग आपस में लड़ लड़ मरते सी। बाहर ले आके इनू लुट के यदि इज्जत आबरू यदा धन यदी दौलत लै जाया करते। तो फिर इकबाल कहिंदा इत्थों एक एके दी आवाज़ उठी, कहिंदा फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से। तौहीद हुंदी है एक दी गल, कहिंदा इत्थे एके दी गल नहीं सी हुंदी, इत्थे लोकी वंडे हुए सी। गंग बनारस हिंदुआ, मक्का काबा मुसलमाने, सुनत मुसलमान दी, तिलक जंजू हिंदू लोबाने, राम रहीम कहाएं दे एक नाम दो रह भुलाने, सच किनारे रह गया खै मरदे ब्राह्मण मिलाने। इहो जे हालात सन इस समाज दे। ते डॉक्टर इकबाल कहिंदे फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से। पंजाब दे विच्चों एक एके दी आवाज़ उठी, हिंद को जगाया खाब से। ये सुते हुए हिंदुस्तान सुपनिया के विचों हनेरिया के विचों गुरु नानक साहब ने जगाया। सचार मनुखां दी पैदाश दा अध्यापन दा काम गुरु नानक पिता जी ने किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासिक काम सी, जिहड़ी धरती पाटी हुई सी, जिथे कोई गल किसी की नहीं सी सुनदा, ते बाहर ले आके इहनू लुट के चले जांदे सी, ते धरती दी कोई ताकत नहीं सी अपने आप नूं बचा लैण दी। इतों उदय हुंदा ते ये जिहड़ा उदय होया होया 1801 तो 1849 तक एक बहुत ही शक्तिशाली सिंघासन के रूप के प्रकाश हुंदा। एक विरासती विद्यक प्रणाली है। ये हुण विद्यक प्रणाली किवें काम करदी है आपां इहदे उत्ते सहजे सहजे दसां पातशाहियां दे इतिहास के विचों निकलांगे। श्री गुरु नानक देव जी तो आपां गल आरंभ करते हैं कि गुरु नानक पिता जी ने जदों एक मनुख नूं सचार बनाउण दा कार्य आरंभ किया तो सब तो पहला सुनेहा पिता जी का की सी? ये विद्या है, ये विरासती विद्या है। ये सब तो वड्डी गल है। गुरु साहब ने जिन्हों ओम कहिंदे सी, जिन्हों वो रब दे नाम लेंदे सी, गुरु साहब ने उहदे अगे दो गणित दे एक अगे एक पिछे दो गणित दे फिकरे ला दते। मूहरे की लाया एक, पिछे की लाया पिछे लाया कार। कार ते एक गणित दे फिकरे ने। एक दा मतलब हुंदा जिथों गल आरंभ हुंदी है, कार हुंदी है, आपां इनफिनिटी लिखते हैं ना, पता नहीं इनफिनिटी की हुंदा इस तरह भी अनंत, जिदा इधर ला ते उधरला बनना ही कोई नहीं, जिदा आरंभ ते खत्म ही कोई नहीं। गुरु साहब ने मूहरे एका ला के पिछे कार लाई, एक अकाल पुरख जिहड़ा अकाल है उहदी आराधना। हुण जिहड़ी विद्या असीं पढ़दे हाँ आपां हुण नाल अपनी छालनी मारते जाना कि साडी विद्या विच सानू दृढ़ करवा दिता गया है कि असी एक अकाल तो बिना किसी का आसरा नहीं मंगते, किसी अगे झुकते नहीं, किसी अगे जाचना नहीं करते। जो आप समाज विच विचरदे आ, पढ़े लिखे डिग्रियां प्राप्त लोग एकदम इहदा हत्थां ते पता नहीं खंभड़ियां जिहियां की बनी फिरदे ने, पता नहीं की बनी फिरदे ने। पढ़ते गुरु नानक पब्लिक स्कूल च ने, उहदा प्रिंसीपल है, उहदे अध्यापक ने, उहदे बच्चे ने, केड़ी विरासत। सब तो महत्वपूर्ण गल है कि थोड़ा निश्चा दृढ़ हो चुके है कि यह सीस एक अकाल तो बिना किते नहीं चुकेगा। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। यह पहली महत्वपूर्ण गल है। जे तुहाडी विद्या ने तुहानू यह दृढ़ करवा दिता है कि शब्द तो उपर कुछ नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब तो उपर कुछ नहीं, तां तुहाडी विद्या विरासती है। जे तुहाडी विद्या तुहानू यह दस ही नहीं सकी कि यह दुख सुख तो बहुत छोटिया चीज़ा होंदिया ने, कपड़े ने रोज़ गंदे होंगे ने, रोज़ धो के फेर पा लईदे ने, असी अपने दुनियावी सुखा की खातर कभी मड़ी वाले कभी मसाण वाले कभी फलाने कभी धिमके झुक रहे हैं। इहदा मतलब है तुहाडी विद्या अपने मूल तो ही टुटी हुई है। एक अकाल पुरख की आराधना बहुत वड्डी गल है।
गुरु साहब के जीवन के विचों ये गल्लां आपां अपने ते लाउणियां ने जे साडे ते ढुकदियां ने तां साडी विद्या विरासती है जे साडे ते नहीं ढुकदियां तां साडी विद्या विरासती नहीं है। इकल्ले ही डट जाणा कि साडे विच समर्था है कि असी सच दे उत्ते डटण दी समर्था रखदे हां सच कहण दी जुरत। सारा परिवार इकट्ठा होया कहिंदे जनेऊ पाउणा है, पिता जी कहिंदे पा लो पर मेरे सवाल का जवाब दिओ। पंडित हरदयाल जी जनेऊ क्यों पाईद कहते जनेऊ इसलिए पाईद कि ये बिना धर्म धारण नहीं होंदा, ये बिना जीवन सुचा नहीं होंदा। देखो गुरु पिता जी ने अकादमिक चुनौतियां दत्तियां हरदयाल जी नूं कहण लगे पंडित जी मेरे माता तृप्ता जी ने मैनूं जन्म दिता तुसीं उन्हां नूं तां अजे तक पवित्र नहीं किया, मेरे माता जी नूं पा दिओ ना पहलां मैं भी पावांगा, मैं मना नहीं करता, मेरे माता जी नूं पाओ। हरदयाल जी नूं त्रेलियां होण लगियां कहिंदे औरत नूं नहीं पै सकदा अपने खोल के पोथियां दसण लगे अपवित्र हुंदी है आए हुंदा है। गुरु नानक साहब ने एक वड्डी अकादमिक चुनौती देखो अकैडमिक चैलेंजेस तुहाडे पिता जी ने देण दा काम आरंभिया। कहिंदे हरदयाल जी इंज करो मेरा साथी मरदाना मेरे तो वड्डा इहनूं पा दो पहलां मैं भी पाऊंगा, मैं छोटा है तो पसीने छुट गए हुण हरदयाल दे पोथियां खोल के कहिंदा शूद्र है ते गुरु नानक साहब ने अपनी कलम घड़ दी फिर कहिंदे मैं दसदा तैनूं औरत कौन हुंदी है ते मैं दसदा तैनूं शूद्र कौन हुंदा है ते मैं तेरा ये जनेऊ नहीं पाऊंगा, तू सानूं वंड रहा है, तू तां बंदा कहाउण दा वी हक नहीं रखता, पहलां सानूं औरत ते मर्द विच वंडिया ते मर्दां नूं मैं शूद्र है ये खत्री है ये वैस है मैं नहीं पावांगा। सच कहण दी जुरत देखो उस वक्त ये ना करना मतलब पता की है सजाए मौत। तू धर्म ग्रंथां दे खिलाफ बोलता कहिंदे मैं बोलूँगा, मैं खिलाफ नहीं बोलता मैं सच की गल करदा कि साडे विच जुरत है। जे साडी विद्या ने सानू यह समर्था नहीं दित्ती, साडे अध्यापकां ने साडे प्रबंधकां ने सानू यह अभ्यास नहीं कराए तो पुत्र जी इहो जी विद्या लई ते ना लई इको बराबर है। विरासती विद्या कहिंदी है सुचार मनुखां दी घाट लई पिता जी अध्यापन करना तां कादा करना है जीवन दे विच सच भरना है। उदासियां तो बड़े लंबे समय बाद पिता सतगुरु गुरु नानक पिता जी घर परदे ने भैण नानकी वीर वाल देख देख के चाह नहीं रहिंदा तुसीं नानक पिता जी ते भैण नानकी दियां बड़ियां साखियां सुनियां, मैं तुहानूं कोई साखी नहीं सुनाउणी पर साखी विचों अज्ज इक गल फड़नी आ। भैण नानकी अपने वीर नूं पुछदी है कि वीर ना मैनूं मरदाना दसदा है कि तू कदी जंगलां च लै वड़दा है कदी पहाड़ां ते लै चढ़दा है कदी समुद्रां ते लै तरदा है कदी मारुथलां च लै तुरदा है ते मरदाना कहिंदा कि तेनूं लोक रोड़ मारदे है तेरे ते पहाड़ रोड़ दिंदे है तू अक्ख खाना है तू रोड़ां ते सौंदा है ते मैनूं दस वीर ना तू क्यों घरों भज भज जाना जे तेनू लोग रोड़ मारते हैं जे तेनू भुखा रहना पैंदा तेनू अक खाना पैंदा है ते तू क्यों नहीं घर विच बैठदा बापू दे घर विच सारा कुछ है तेनू केड़ी केड़ी तेनू विपता पई है तू भज भज घरों बाहर नू जाना है। भैण नू दसदा सही एक बहुत ही प्यार भरी वार्तालाप है भैण नानकी ते गुरु नानक पिता जी दी। सतगुरुआं ने भैण दे प्यार वल देखे अखां च अखां पा के कहिंदे भैणे तेनू जिहड़ी मरदाना गल्लां दसदा ना मरदाना सच कहिंदा है मैनूं रोड़ पैंदे ने, मरदाना सच कहिंदा मैं मिट्टी खाना मैं अक्क खाना, मरदाना सच कहिंदा साडे दे लोक पहाड़ भी रोड़ दिंदे ने। पर भैणे मैं दुनिया नूं इह गल दसणी चाहुंदा, इह गल नूं ध्यान नाल सुणिओ भैणे मैं दुनिया नूं इह गल दसणी चाहुंदा कि जो मरदाने नूं दिसदा है सारा ही झूठ दिसदा है, सच कुछ होर ही है। ते भैण पुछदी है अपने वीर नूं नानक वीर ना मैनू दस फिर सच की है, पिता जी कहिंदे सच ये है कि वह रोड़ मारन वाला भी उही हुंदा है रोड़ खाण वाला भी उही हुंदा है रोड़ भी उही हुंदा है नानक भी उही हुंदा नानकी भी उही हुंदा मरदाना भी उही हुंदा वली कंधारी भी उही हुंदा सज्जन ठग भी उही हुंदा कोई नहीं है भैणे इत्थे दूजा है ही नहीं कोई इक्को ही है उन्हें अपना रूप बनाया होया ये माया ठग रही है इस रूप दे विच इत्थे कोई कुछ नहीं है।
सच की गल मनुख नूं भुल चुकी है। सच दे मनुख विचाले बड़ी वड्डी कूड़ की कंध है। भैणे मेरी इक्को ही भजन अठ है, मैं दुनिया नूं दस देना चाहुंदा किव सचियारा होई है बस बस बेटा जी आही भजन अठ है मेरे पिता जी की, आही तपस्या मेरे पिता जी की, आही घालना मेरे पिता जी की। कहिंदे मैं बस दुनिया नूं दस देना चाहुंदा कि सचियार बन जाओ। सचियार किवें बणीदा है? और सचियार बनने दे लई पिता जी ने बहुत लंबा सफ़र किया, बहुत लंबा सफ़र किया मनुखां नूं सचियार बनाउण दे लई। गुरु नानक साहब नूं अज आपां एक अध्यापक दे रूप च देखांगे। वह बड़ी अगम्मी ताकत ने, उन्होंने किसी भी एक रूप से नहीं देखा जा सकता क्योंकि बड़ी विशाल वो तो अकाल पुरख के विच अभेद ने, अकाल पुरख का रूप ने। पर आप अज अध्यापन के विषय से गल कर रहे हैं ना, अज आप गुरु साहब का अध्यापन का पक्ष देखांगे। गुरु साहब एक अध्यापक बन के निकले ने, एक विद्या का अज बी बीजिया। वो विद्या की है कि मैं मनुख न सचियार बनाना है, उन्होंने विधि दसनी है। और गुरु साहब के जीवन में देखिए तो यह गल समझ आती है। बेटा जी ये नक्शा देखो, जहाज़ पर भी जाना औखा है, जहाज़ पर भी जाना औखा है, इन्ना समा ही नहीं साढ़े को। गुरु पिता जी ने सारी उम्र कदमां ते चल के, कदमां ते चल चल के, कदम कदम चल चल के गुरु साहब ने जगत में उतारिया। तो ये गल कि समझ आती है? गुरु साहब कोई मर्सिडीज कार च नहीं सी जाते होंगे। भाई गुरदास जी ने अंकित किया है कि हालात किहो जे सीगे, रेत अक आहार कर। गुरु साहब नूं रेत खाना पैंदा सी, गुरु साहब नूं अक खाना पैंदा सी। रेत अक आहार कर, रोड़ां की गुर, रोड़ां की गुर करी बिछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर सिंह बने आई। हुण पुत्र जी तुसीं मैनूं दस्सिया मैडम ने कि लगभग 25 बच्चियां ने इत्थों अपना हुण विद्या दी जिहड़ी तुहाडी हासिल करनी डिग्री उह करके हुण अप्रैल विच चले जाणा। पुत्र जी एक गल अपनी कसवटी ते लायो कि तुसी गुरु नानक साहब की तरह मनुखां नूं सचियार बनाउण लई चलण लई तैयार हो कि मैं अक खाऊंगी, मैं मिट्टी खाऊंगी, मैं रोड़ां ते सोऊंगी, मैं सचियार बनाउण लई समाज नूं कम करांगी। ते बिना निजी सुख त्यागे लुकाई दा भला संभव नहीं। ये गल गुरु साहब दे जीवन चों स्पष्ट है। तुसी जदों तक सुख रहने हो ना, जो तक अपना सुख नहीं त्याग दे तुसी अध्यापक नहीं बन सकते। की ये गल तुसी दृढ़ कर ली है इत्थे अपनी बीएड करदे आ? की तुसी अपने निजी सुखां नूं त्यागण लई तैयार हो? जे त्यागण लई तैयार नहीं तां मैं बहुत कौड़े शब्द वरतन लग्गिया, सुन लिओ। मैं कई कौड़ियां गल्लां करांगा पर सच्चियां ने, सच कौड़ा हुंदा है। तुसी उन्हां अध्यापकां दी भीड़ विच शामिल होण जा रहे हो जिन्हां ने मेरी विरासती विद्या का घाण किया, मेरे समाज का नाश किया, तां तुसी उन्हां जलादां दे विच जाके शामिल हो रहे हो। सानू पता नहीं लगता पर मेरी निगाह च किते वजो मैं भी एक अध्यापक हाँ। समाज का कातल अध्यापक है, होर कोई नहीं है, होर कोई नहीं है। गुरु नानक साहब जिथे गए, गल नूं गौर नाल सुनो, जिथे गए जिन्हों मिले राय भोई तलवंडी छड़ दिओ, करतारपुर का आला दुआला छड़ दिओ। जदों उदासियां ते निकले जिन्हों मिले, पहली बारी मिले ते आखिरी बारी मिले, पर जीवन पलटा के आए। अध्यापन देखो हुंदा की है, अध्यापक दे गुण देखो की हुंदे ने। जिन्हों मिले पहली बारी मिले आखिरी बारी मिले, कि वह सज्जन ठग सी कली ओ कोडा राख सी, कि वह वली कंधारी सी, कि वह समेर ते बैठे सिद्ध सी। जीवन पलटा के आए ते तुहाडे कोले बच्चे ने किन्ने साल लई आउणा है, किन्ने साल लई आउणा है? 15 साल लई। मैनू कह लैन जिहड़ा निरा गंध कढ़दे आ स्कूलां तों बाद, निरा गंध नंबर पुछो 99% जांदे कित्थे ने मोए ओ? वह 99% नंबर वाले जाते कितने ने? सारे पास का अग लगी पी, इनू बुझाते क्यों नहीं? सड़कों पर अग है, स्कूलों च अग है, हस्पतालों च अग है, हर बंदा माया की अग की मिसाल लई खड़ा साड़ रहा है। दफ्तर भी चले जाओ, हर पास करप्शन है। फिर तो 99 वाले जाते की करते ने?
आपो अपना मुलांकण करो पुत्र जी, जिहड़े 25 विद्यार्थी जा रहे ने, बाकियों नूं अजे वक्त हैगा, तुसीं भी उन्हां कातलां दी सूची विच शामिल होण जा रहे हो जिन्हां कातलां ने समाज नूं नरक बनाया। क्योंकि ये कातल ने अध्यापक जिहड़े सिर्फ पैसे कमाउण वालियां मशीनां पैदा करदे ने, ये सिर्फ अपने विद्यार्थियों नूं पैसा कमाउणा सिखाउंदे ने, ये सच नहीं पर रहे, क्योंकि इन्हां ने अपना सुख नहीं त्यागिया होया। जो तुहाडे अंदर तो बेटा जी बच्चे ने उही लै लेना। 15 साल एक विद्यार्थी माँ बाप ने किन्ना भरोसा करके तुहाडे कोले छड़ देना, तो तुसीं उहदा बेड़ा गर्क करके बाहर कढ़ना 15 साल ला, जमा ही कंडम हुई हुई गड्डी हुंदी है, जमें कोई उत्साह नहीं। जिहड़ा गुरु नानक साहब दे स्कूल चों पढ़ के गया, आपां अगे अगे चलांगे, की उत्साह सी, उन्होंने की कर दिखाया। जे साडे अध्यापक वह ना कर सके तो मैं समझदा असीं बाबा सेवा सिंह दे नाल भी धोखा कर रहे हैं। उन्हां दी भावना कुछ होर है, उन्होंने जिम्मेवारियां अध्यापकों ते छड्डियां होईयां ने, ते अध्यापक की कर रहे ने? इत्थों पैदा होण वाले नवें अध्यापक की तैयार बर तैयार ने कि हुण बीएड तों बाद असीं रेत अक खाण लई बाहर निकल रहे हैं? असीं गुरु नानक साहब दा ओ विरासती जिहड़ी विद्या आ उहदी प्रफुल्लता लई कम करांगे। गुरु साहब ने प्रचलित मिथ्यास ते कर्मकांडा ते सवाल खड़े किए, असीं मगर चलदे हां, असीं भेडां बणदे हां जिवें चलदा, पर गुरु साहब ने हर गल ते सवाल खड़ा किया। गुरु साहब ने विज्ञानिक सिद्धां दित्तियां। गुरु नानक साहब की गल कोई एवें मंत्र जे नहीं है पुत्र जी, गुरु नानक साहब की गल च बहुत वड्डा वजन है, शब्द भी नहीं है उस वजन की व्याख्या करने वास्ते। अज नासा की वैबसाइट पर पई है, की कहती है नासा, आए की तस्वीर दिखा दी उन्हें भी, आ ब्रह्मांड ज आए एक हिस्सा ही है वह, पूरी कायनात का, क्योंकि आप जो कायनात शब्द वरदे ना, मतलब पता की होंगे, की होंगे कायनात का मतलब, बहुत सधारण जहा शब्द है, की होंगे कायनात, जिदिया कन्निया ना होन है ना, जरा ब्रह्मांड दिया कन्निया कोई नहीं है, पर भोली नासा ने कन्निया खड़िया कर दी, उन्हें बन लिया, उन्हें बाणी कहती है आए नहीं है, पर जिन्हें कन्निया खड़िया कीतियां ने उहदे विचों ने बड़ा कुछ पाया, किन्निया गलैक्सीज किन्ना कुछ पा दिता। तो साहिब गुरु अर्जन पिता जी ने यह गल तो कलमंद पहला की हुई है, कई कोट देस भू मंडल कई कोट ससियर सूर नखत्र, किन्ने ही देश ने, किन्ने ही प्लैनेट्स ने, है ना, किन्ना ही खिलारा है, किन्ने ही तारे ने, किन्ने ही चंद्रमा ने, यह अज नासा की वैबसाइट पर पई है, तुहाडे पिता जी ने लिखा हुआ। आ जी सृष्टि की उत्पत्ति की पढ़ाई जाने आप थ्यूरी जी, बिग बैंग थ्यूरी, है ना, की कहती है यह, कहीं धमाका होया, गैसा फैल गई, है ना, सैबरल गैस एस्केप इन द एटमोसफियर, पार्टिकुलर गैसिस कंडेंस टू वेपर, वेपर लिक्विफाइड टू वाटर, एंड एक्चुअल प्रकर्सर ऑफ होल क्रिएशन इज यूनिसेलुलर बॉडी अमीबा राइट इन वाटर। पहला पानी जियो है, यह तो कहती है बिग बैंग थ्यूरी, आँदी कदों है, हजे कल की गल है, आह 500 साल पहला कलमबंद होया भी अकाल पुरख ने हवा पैदा की, साचे ते पवना बहा, पवने ते जल हुए, हवा तो पानी बनया, तो गल दुनिया नू सब तो पहला तुहाडे पिता गुरु नानक जी भी दसी, ये कोई दुनियावी जी विद्या नहीं है। गुरु नानक साहब की पकड़ बहुत मजबूत है, गुरु नानक साहब दियां अखां दे टैलीस्कोप्स लगियां ने, गुरु नानक साहब दियां अखां च माइक्रोस्कोप लगियां ने, यह दूरबीन ने, खुरदबीन मेरे पिता जी दियां अखां विच काम करदी है, उन्हां नूं किसे लैबोरेटरी च टैस्ट ट्यूब ला के देखना नहीं पैंदा, वह ब्रह्मांड की विद्या का ज्ञान रखते ने। आपां उन्हां नूं कई बार एक धार्मिक तौर पर देखते हैं, गुरु नानक साहब की पकड़ हर पहलू बहुत जबरदस्त है। गुरु नानक साहब बहुत वड्डे विज्ञानी हो ही नहीं, गुरु नानक साहब विज्ञान के जन्मदाता ने, गुरु नानक साहब विज्ञानियों का राह दर्शा रहे ने, साहिब ने यह दुनिया नूं दसिया कि हवा तो पानी बनिया, पानी च जीव पैदा होया, अगे तू टकरा मार के लभ लै जो लभना, जल ते तेरा पवन साजिया, घट घट जो समोहे। सो गुरु नानक साहब की गल प्रार्थन नहीं है, गुरु नानक साहब की गल सदा ही नवी है, और विरासती विद्या च बहुत वड्डा वजन है। गुरु नानक साहब ने औरत की आजादी की गल उदों की जदों एक गल करन वाले की सजाए मौत सजा सी। गुरु अंगद देव जी, मैं तुहानूं तेजी नाल एक सफर कराउणा है,
ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥੰਮ ਖੜਾ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤਿਆਗੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੱਟਣਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਪਹਿਨ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ? ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ ਤੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸਤਰਕ ਹੋ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹਕਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਸਾਹਿਬ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਤੋਂ ਬੁੜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੰਗਤ ਸੰਗਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚਿਓ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਕੜ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 22 ਮੰਜੀਆਂ 52 ਪੀੜੇ, ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੀਵਾ ਲਏ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਤਾਂ ਵਜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਥਾਪਿਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ
ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਏ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿਉਂਤ ਵੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਦੇਖੋ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਬੀਐਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰੀ, ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੱਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰੀ। ਸੁੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਸੁੱਖੀਏ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਣਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਹ ਨਾ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਆਂ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੱਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਖਾਂ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਣਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਖਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਤੇਰੀ ਸੁਖਮਣੀ 'ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਜੇ ਸੁਖਮਣੀ 'ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਠੰਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
लाहौर दी हुकूमत नूं फूक तां असीं भी सकदे हां, पर हुक्म होर है। अज नवा इतिहास लिखना है। लोगों ने दंदां च उंगल पा के इहनूं पढ़ना है। लोगों की कलम की स्याही सुक्या करनी है मियाँ जी। जब लोग इस इतिहास में लिखा करेंगे ना तो लोगों की कलम की स्याही सुक जाया करनी है। अज असी नवा इतिहास सिरजना है। हुण गुरु अंगद देव कॉलेज खडूर साहब पढ़न वाली बच्ची ने जो गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख जाना है तो कहना, गुरु अर्जन साहब तरस कर मेरे ते, तरस कर मेरे ते, मैं भी तेरे वर्गा अध्यापन करना चाहनी हाँ। जे बच्ची आए अरदास कर रही है तो बाबा सेवा सिंह जी की मेहनत को फल लग रहा है, उन्होंने मनशा पूरी हो रही है। जे सिर ढकी तो फिर है, फिर मड़िया तो मत्था भी टेकती है, फिर ये वस्त्र पाउन लग्या नहीं वेखदी, ये हरकत कर लग्या नहीं वेखदी, तो गुरु साहब कहणगे मैं कुछ होर करके आया सी खडूर की धरती से, यह की करी जाती है। ये सवाल ने जिहड़े तुसीं अपने ते गुरु अर्जन दे नाल, गुरु अर्जन पिता का इतिहास वाचदे हां, गुरु अंगद साहब का इतिहास वाचदे हां, इहदा आपो अपना मुलांकण तुसीं आप करना है। गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी पीरी जाहर अमीरी जीवन फकीरी, गुरु साहब ने जिहड़ी जथेबंदक ताकत गुरु अमरदास ने आरंभ की, छेवें पातशाह ने उन्हूं जथेबंदक करन दे नाल नाल हथियारां दे नाल लैस भी किया, मीरी पीरी नूं इकट्ठा किया, समय के हाकम दे तक तो दिल्ली तक तो उच्चा अकाल तक सिर दिता, नौजवानों के शस्त्रां की सिखलाई की, 52 राजां नूं रिहाई कराई। ये अपने आप च बड़े वड्डे इन तुहाडी विद्या का पसार हो रहा है। जिहड़ी विद्या गुरु नानक साहब ने प्रकाश किया सी, वह विद्या अज इत्थे पहुँच गई है कि विद्या नूं ग्रहण करन वाले समय के हाकम नूं वंगार दे रहे ने। साहित्यक तौर पर यह वंगार, निजी तौर पर यह वंगार गुरु नानक साहब ने बाबर नूं जाबर कह के दे दित्ती सी। बाबर दी कैदखाने भी जाके चक्की भी पीसी, पर हरगोबिंद साहब ने अज हथियारबंद हो के समय के हाकम नूं वह वंगार दित्ती कि हुण मैं चिड़ियां दे कोलों ते बाज तड़ावांगा। गुरु हरगोबिंद साहब ने उन्हां दे बाज नूं फड़िया, कलगी लाई, आप नहीं लाई तो कहा जिन्हां नूं तुसीं कहिंदे हो घोड़े नहीं चढ़दे, घोड़ियां ते भी चढ़नगे, ये कलगियां भी लाउणगे, सरदारी भी करनगे, ये नगारे भी वजाउणगे। ये इनकलाब है विद्या का। गुरु हर राय साहब ने दवाखाने वातावरण की संभाल और फौजी शक्ति, गुरु हरगोबिंद साहब की शक्ति जिहड़ी सी ना हजे उन्होंने उन्हें आरंभ किया, पर गुरु हर राय साहब वेले 2200 घोड़सवारां दा बड़ा तकड़ा ताकतवर दस्ता गुरु पिता जी ने, भावें उन्होंने वड्डा जीवन अपना वातावरण की संभाल ते लाया, पर उन्होंने फौजी शक्ति नूं बड़े वड्डे पद्धर दे उत्ते गुरु हरगोबिंद साहब दे ज्योति जोत समाउण तों बाद कीता। गुरु हरकिशन साहब का जीवन आउंदा है, आपां बाला प्रीतम कह के याद करदे हां। देखो निक्की जी उम्र है दुनियावी तौर दे उत्ते, है ना, की हुंदी है 5 वर्यां दी कोई उम्र हुंदी है बचपन दी? लोकां ने किन्ने शंके कीते, कोई लिया के कमला झोर बिठा रहा है तो गीता दे अर्थ करा दिओ, है ना, कोई कुछ में परख रहा है, कोई किमें परख रहा है। औरंगजेब कहिंदा मैं मिलना है, गुरु साहब कहिंदे मैं तेरे मत्थे नहीं लगना, तेरे अगा जालम। मतलब कि ताकत देखो गुरु पिता जी की, यह ताकत सिख विच भी होनी चाहिए है। जे हुकमरान जुल्म कर रहा है तो पातशाह कहते मैं तेरे मत्थे नहीं लगना। मरीजा की निष्काम सेवा करके पता भी इस बीमारी के शरीर चलिया जाना है, है ना, यहोजी बीमारी जी एक तो दूजे शरीर में लग जाती है, पर गुरु साहब ने दिल की भी सेवा की थी। और एक वक्रा जरा सानू संस्कार दते कि असी समाज की सेवा लिए अपना आपा किमें कुर्बान करते हैं। बेटा जी थ्रैटिकली तो बहुत कुछ लिखा मिलेगा, दुनिया च बहुत सोहना लिखा लिखारियां ने विद्वाना ने, पर साढ़े व्डे भाग पता की ने, इत्थे हड्डी हंडाया होया है, खाली लिखिया नहीं होया। लिखण तो बहुत सोहना सदा सच बोलो लिख दें, आप पढ़ा दें, आप है ना, पर उन्हें कर्म योगी बनना। साड़ी विलक्षणता है कि जो साड़े इतिहास विच है वह साड़े गुरु साहबान ने और गुरु साहबान दे सिखा ने अपने जीवन से कमा के दिखाया। दुनिया में इदा का कोई इतिहास नहीं, इदा का कोई विरसा नहीं, इदा कोई लिटरेचर नहीं जिहड़ा कि रियलिस्टिक होवे। ये साड़ी विरासती विद्यक प्रणाली है, पर असी इन्ने खिचे जाने उन्होंने लोगों वाल, क्यों खिचे जाने, मैं उत्थे तक तुहानू लैके जावांगा।
भी ये क्यों बन गया, असी क्यों खिचे जाने, सानू लगता भी उन्होंने विद्या च बड़ा वजन है, वो बहुत गाह लंघ गए, वह सानू क्यों लग रहा। मैं तुहानू उत्थे तक लैके जावांगा। मैं आरंभ तो गल नू चक्किया, एक झात तुहानू पंछी झात दे रहा। हुण गुरु तेग बहादुर साहब ते आईए। त्याग दी मूरत ने बचपन तो विरागी बिरती है ना, कश्मीरी पंडतां दी फरियाद तुसी सारे जानते हो, है ना, मतलब किस तरह गुरु पिता जी ने अपना सीस कुर्बान किया, ये भी इतिहास विच बिल्कुल अडरी गाथा आ। किसी महापुरख ने दूसरे धर्म की रख्या ली अज तक नहीं किसी ने कुर्बान नहीं दी, ना गुरु तो पहला ना किसी की हिम्मत पैनी है, अपने लिए देनी औखी है, किसी लिए तो किड़ा दिंदा है। अवस्था इतों तक होवे पुत्र जी, जो गुरु साहब को अरदास करते हैं ना, देखो निक्किया निक्किया घटनावां ने तुहाड़ी जिंदगी नूं घड़ना है। हुण बड़े गौर नाल देखो जिहड़ा आह तस्वीर है, गुरु साहब की हजूरी विच कश्मीरी पंडित आउंदे आ ते कोले छोटे गुरु पिता जी दे साहिबजादे बाल उम्र दे विच गोबिंद राय जी बैठे ने, ते ध्यान नाल गुरु पिता जी वल भी देख रहे ने ते फरियादियां वल भी देख रहे ने। फरियादियां ने फरियाद की कि साढ़े ते जुल्म हो रहा है, जंजू अपने भार दे बराबर लाउंदा है ते फिर रोटी खांदा है, साडा धर्म खतरे च है। गोबिंद राय जी देखदे हुण गुरु साहब की कहणगे, हुण इहनू अनुभव करिया करो, कदे अपने भज नठ तो ना खड़ जिया करो, किताबां नूं पढ़दे आ इतिहास नूं सुणदे आ। किते नुकरे लग गया तां प्याणा साहब किन्ना सोहणा स्थान है ना, जाके बैठिया करो किते कल्ले उत्थे, अपने अंदर की आवाज़ सुनिया करो, तो इतिहास नूं आए समझा करो, उत्थे बह के देखो कि हुण गुरु तेग बहादुर सामने फरियादी खड़े ने, तो फरियादी फरियाद कर रहे हैं, तो गोबिंद राय जी कोले बैठे ने, कभी गुरु पिता तेग बहादुर साहब के मुँह वाल वेखते हैं, कभी फरियादियों वाल वेखते हैं। हुण फरियादियों ने जो फरियाद की सानू बचा लो, तो हुण तकदे आ कि मेरे पिता जी की कहणगे, हुण तेग बहादुर साहब की कहणगे। हुण एक बचपन है ना, वो बचपने आया करो, आके गुरु के मुँह वाल तकिया करो कि गुरु अंगद मेरे सिर पर रख, हाथ मैनू दे, सोझी तू कहना की चाहना है। तो गुरु तेग बहादुर साहब के मुखारमें तो निकलिया कि तुहाडे ते बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत वड्डा कष्ट है, इस कष्ट नूं कोई बलियों ही कट सकता है, किसी महाबली नूं अपना बलिदान देना पवेगा, तुहाडा कष्ट हुण आए कटिया नहीं जाना। हुण गोबिंद राय जी जदों गल सुणदे ने तां बोलदे ने, की बोलदे ने, शाबाश की बोलदे ने, हुण बोलदे ने, की बोलते ने, तुसी कह लोगे अपने पिता जी नू, बोलो कह लोगे, बोलो जी, चलो कह लोगे नहीं कह लोगे, एक वक्री गाथा आ। तुसी कदे गुरु ग्रंथ साहब दे कोल जाके ए ए ए मंग रखी है, गुरु साहब मैनू ये बल दे, मैं अपने प्यो नू, अपने भरा नू, अपनी मां नू, ते मैं आप आए कुरबान हो सकां, जिमें तुसीं अपने पिता जी नूं कहा, जिमें तुसीं अपने पुत्रां नूं कहा सी। जे पुत्र जी आपां कदी इह अरदास ना कीती, कहिंदे पट पिया सोना जिहड़ा कन्नां नूं खावे, जिहड़ी विद्या ग्रहण कर रहे हो ना, इह तां ना ही ग्रहण करदे चंगे सी, क्योंकि विद्या दे कारण ही तुसीं इह अरदास नहीं करदे। जिहड़ी विद्या असीं ग्रहण कर रहे हां ना, इह विद्या ही सानूं सच तों दूर लैके जा रही है। जिहड़ी विद्या गुरु साहिब ने पढ़ाई, वह विद्या तो आरंभ ही इतों आती सी, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। पुत्र जी जदों तक सानू ये सच्ची मुची लगता नहीं है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा तो बुला रहा, मैं तुर रहा तो वह तुरा रहा है, मैं सोच रहा तो वह सचवा रहा है, पिछों स्विच बंद कर दे, मिट्टी का भांडा इतने डिग जाना, उन्हें किसी के बस का रोग नहीं है। जदों समझ आ गई कि मैं उदा बुलाया बोलदा, फिर मैं सच क्यों ना बोला, मैं क्यों ना अरदास करा, पिता मैनू अपने वर्गा बना ला, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारा कुछ राख है, ये भुलेखा है। जे पुत्र जी आप अरदास नहीं ना करते, तो यह जिनी विद्या आपने प्राप्त की है, अध्यापक बनने तो आप बिल्कुल योग नहीं है। जे आप अध्यापक बन रहे हैं ना, तो आप काम ही नहीं करते, हाँ दूजा बंदा करे ना करे वक्री गल है, पर अध्यापक ने तो अगे गाह उ चीज़ देनी होंगी जो अंदर होंगी है। जे बेटा जी अपने अंदर ही नहीं हैगी, तो मैं थोड़े चरणा बेनती करूँ, अध्यापक ना बने, कुछ होर कर लियो, कितने कलाक लग जाओ, कुछ होर कर लग जाओ, अध्यापक ना जो बने, जे तुम आह काम नहीं कर सकते,
अध्यापक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कितने इट्टां ढो लियो, कितने रोटियां पका लियो, कितने होटल च काम कर लियो। अध्यापक तां बनिया जे जे तुसी गुरु साहब के चरणा जाके घट्टो घट्ट अरदास करदे हो कि सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा कर, जिदा तू विद्या दत्ती मैं उदा विद्या लै ते दे सकां। जे अरदास भी नहीं ना कर सकते, उहदी जग्यासा ही नहीं बनी, तो अध्यापक बनन का गुनाह ना जे करिया जे, ये बहुत वड्डा पाप है। और ये तुहानू इहदा जवाब देना पऊगा, क्योंकि तुसी अध्यापक बन के गंदगी नहीं खिलार सकते, पर तुसी खिलार रहे हो। मैं उन्हां दे विचों ही हाँ, मैं भी खिलार रहा, मैं अपने आप नू विचे गिण के कह रहा। जे किते असी गंदगी ना खिलारदे होंदे तां इह समाज बहुत सोहणा होणा सी। आपां गल्लां जिन्नियां मर्जी करिए, असी इन्ने पाठ कराउने आ, असी आ कराउने आ, सानू दसण दी लोड़ नहीं असी की कराउने आ। साडा आला दुआला बोलूगा, आला दुआला बोलूगा, तुहाडा देश विकसित होगा, तुहाडी करंसी दुनिया चो सिर कढ होगी, तुहाडे करदार दुनिया चो सिर कढ होणगे, लोकी तुहाडे अमलां नू नमस्कार करनगे। जे ये है ही नहीं तो फिर ये डाटे लिखाने, सालाना बुलेटिन छाप देना, इन्निया ने सहज पाठ पूरे कर ले, इन्निया ने अमृतपान कर लिया, इन्निया ने आ कर लिया, खिमा करना, खड़ के सोचना पवेगा कि असी कह की रहे हाँ, कर की रहे हाँ, समाज की तस्वीर की बोलती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जथेबंधक ताकत का विकास किया, किलिया की उसारी की, अमृत की बख्शिश की, रहत मर्यादा दृढ़ करवाई। गुरु साहब दे असी उस विरसे नू किवें भुला लिया है, मैं तुहानू उदाहरण दिना, गल तुहानू भी पता ही है, सिर्फ मैं तुहाडा ध्यान उधर खिंचण लग्गिया। गुरु साहब ने अमृत की दात किवें बख्शी सी जी, किस तरह बख्शी सी, शाबाश, किवें बख्शी सी, हाँ हाँ, सीस उची बोलो, ठीक कह रहे हो, सीस मंग के, है ना। तो जो सीस मंग के गुरु साहब ने पंजा प्यारियां नू अमर दी दात बख्शिश की, तो गुरु साहब मुड़ के आप मंगन लगे कि मैनू भी दे दो, तो पंजा ने फिर की किया सी, जो गुरु साहब ने अमर दी दात दी मंग की पंज प्यारियां तो, यह अपने आप जी बड़ा विलखण सिद्धांत है। अपने ही साजे सिखां अगे झोली अड़ के गोडा टेक के बह जाना दुनिया के किसी उस्ताद ने नहीं किया, किसी पैगंबर ने रहबर ने नहीं किया। तो गुरु साहब झोली अड़ के कहते भी पंजा पैरों के तुसी मेरे हुण गुरु हो, मेरी झोली च भी अमर दी दात पा दिओ। यह एक वक्री हुई गाथ है। तो फिर पंजा प्यारों ने गुरु साहब नूं की कहा, की कहा, शाबाश, की कहा भाई दया सिंह जी ने गुरु साहब नूं, की कहा, तुहानू पता होना चाहिए है, शाबाश, तुहानू पता भी होना है। कहन लगे गोबिंद सिंह जी, अजे सिंह नहीं बने उन्होंने, गोबिंद राय ही ने अजे, तो है ना, सिंह तो दात प्राप्त करने तो बाद उन्होंने अजे होना है। कहन लगे तुसी साडा सीस लिया है ना, फिर तुसी की दोगे, क्योंकि गुरु साहब नूं हुण हुण भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, वो भाई दया राम हिम्मत राम नहीं है, वह हुण गुरु का रूप ने, उन्हां च शक्ति है। वह कहन लगे तुसी सानू की दोगे, ये अमृत की किरिया है कि अमृत वरतदा किवें है। और गुरु साहब ने जो अमृतपान करवाना सी, कोई बड़ा जज्बाती जिहा भाषण नहीं किया भी चलो तुहानू मैं सर्वगां ले जाऊँगा, है ना, चलो तुहानू आ मिलूगा, आ जाओ छक लो अमृत, नहीं। गुरु साहब ने कहिंदे माता गुजरी कोल शिकायतां होईआं, मामा जी कोल शिकायतां होईआं, कृपाल चंद जी कोल, वह गोबिंद राय करी की जांदा, कृपान कढ के सिर कढ गया। साहिब नूं पंज प्यारे कहन लगे तुसीं साडे सिर कलम कीते ने, सीस लाए ने, सानू की दोगे। गुरु साहब ने बड़े खेड़े विच गुरु साहब ने कहा भी हो गया काम जिहड़ा करना सी, इहदी उड़ीक सी, इन्नी ही शक्ति देनी सी। ते साहिब कहिंदे जे भरोसा कर सकदे हो, जे तरस कर सकदे हो, तां गोबिंद राय अपना सरवंश देवेगा, उधार कर लो। एक मर्यादा आरंभ की लोन ते अमृत देण दी, गल नूं गौ ना देखियो, लोन ते अमृत लैण दी। कहिंदे गोबिंद राय नूं लोन ते दे दो, करजे ते दे दिओ, मैं अपना अपने सरवंश दा सीस दवांगा। ते फिर गुरु साहब ने जदों आप अमृत पान करके बाटा छक के खंडे दी पहल संगत ने संबोधित होए ना, फिर गुरु साहब ने कहा कि मैं करजे ते लै लिया अमृत, जिन्हें करजे ते होर लैणा ते आ जाओ, हुण सीस पंजां दे लै लए ने। एक
असी विधान खड़ा करना सी तुहानू दसण लई कि शीस देना पैना है क्योंकि गुरु नानक साहब का विधान है मेरा तो है ही नहीं पहला मरण कबूल ये मैं तो नहीं लिखिया कहिंदे साहिब मेरे पिता गुरु नानक साहब ने अपनी कलम नाल ये जिद्दन ये विद्या का आरंभ होया सी उद्दन ही लिखा गया सी वी इत्थे दा शीस देना ही पैना है पहला मरण कबूल जीवन की छड आस तो इन्होंने छड़ दिती है मैं अपना सरबंस दिता भी हुण जिन्हें छकना छक लो हुण बाटा तैयार होण लग्या हुण उधारा मिलेगा पर छके उही जिहड़ा सीस देण नूं तैयार है मन लवे तो उस बाटे च भाई मनी सिंह होरां ने छकिया उस बाटे च बाबा दीप सिंह होरां ने छकिया होर सैकड़े सिखां ने छकिया जिहड़े तैयार बार तैयार ने कि मेरा नहीं है हुण कुछ मेरा दिल बहुत दुखदा है अमृत पान तो असं अज भी करवाने की मर्यादा है भाई वीर सिंह ने अंकित कीतियां ने गल्लां कहिंदे जदों कि अमृत का अभलाखी आउंदा सी ना इदां तां कहिंदे हुंदा ही नहीं सी कि अमृत पान हो रहा कोई जावे तो छक लवे इहदा तां विधान ही नहीं सीगा हुंदा की सी पंजां प्यारियां कोल जिहड़ा अमृत अभलाखी हुंदा सी उहनूं लै के कोई पेश हुंदा सी जीवन वाला सिख वो कहिंदा सी कि पंज सिंह साहिबान जीओ इस अमृत अभलाखी नूं मैं पंजां बाणियां दी संतिया रहत मर्यादा दसवंध अमृत वेला त्याग कुरबानी गुरमत दृढ़ करवा दित्ती है आप जी जे योग समझो इहनूं परख के इहनूं अमृत दी दात बख्श दिओ ते अमृत दी दात प्राप्त करन तों बाद इहदी जिम्मेवारी मेरी होवेगी इहनूं संगत विच रखणा इहनूं अनुशासन विच रखणा इहनूं थिड़कण तों बचाउणा ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਹਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਅਨ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹਿੰਮਤ ਮੋਕਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਵੱਚਤਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਾਅ ਭਰਦੇ ਸਨ ਪੰਥ ਵਸੈ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਦਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ
दो मिल गई तीजी मंगी जाना फिर कोठी मंगी जाना फिर पोता फिर उदा पोते दा पोता मंगी जाना गल तो कुछ होर ही सी मैं कुछ होर ही करी जाना। गुरु साहब ने एक एक बहुत ही वक्री तरह की ब्रीड पैदा की नस्ल पैदा की इस गंदे समाज विच माया च गलतान हुए समाज विचों गुरु साहब ने मर के जोना सिखाया उहदे च आप जी के दिखाया। और गुरु साहब के जीवन तो एक बहुत वड्डा सुनेहा मैं उपर लिखिया भी सच अगे कोई भी घाट रुकावट नहीं बन सकती कोई भी घाट सच अगे रुकावट नहीं बन सकती। हुण सी गुरु गोबिंद साहब नूं देखो किथे आनंदपुर दियां मखमली सेजां किते माछी वाड़े जंगलां च टिंड दा सराणा खुंडी कृपान पाटिया चोला भुखे भाणे नंगे पैर ठंड दे दिन कोई सिंह नाल नहीं है। नूरा माही खबर सुनाउंदा है रायकोट कि पिता जी जालमां ने साहिबजादियां नूं नीहां च चिण के शहीद कर दिता। ये अवस्था देखो वड्डे लाल चमकौर की गड़ी च अपनी अखां सामने शहीद करवा के निकले ने छोटे लालां ते मां गुजरी की खबर रायकोट नूरा माही ने सुना दिती। हुण लोकां दी निगाह दे विच गोबिंद सिंह दे कोले कुछ भी नहीं रह गया है ना लोकां दी निगाह दे विच लोकां दी निगाह विच हुण कुछ नहीं रह गया नाल कोई सिख नहीं है घोड़े नहीं है लाओ लश्कर नहीं है खुंडी कृपान पाटिया चोला टिंड दा सराणा। ते साहिब उस वक्त इस हालात दे विच जदों लोक समझदे ने कि हुण सब कुछ खत्म हो गया तो गुरु साहब काही का बूटा तीर की नोक ना पट के पुठा सिड़दे ने ते नूरे नूं कहिंदे नूरिया हुण पुटिया गया। और अगे जाके दीना कांगड़ तों एक खत लिखते ने जिहनूं असीं जफरनामा कहने उस जफरनामे च पता की लिखते ने हुण अवस्था देखियो दुनिया की निगाह विच गोबिंद सिंह फिजिकल तौर पर भौतिक तौर पर इहो जिहे हालात विच ने कि हुण दुनिया कहिंदी हुण तां कुछ भी नहीं रहा हुण तां किसे वेले भी औरंगजेब आके इन्हां नूं गिरफ्तार करेगा तो शहीद करेगा इन्हें को कुछ भी नहीं रह गया हूँ की कर लेंगे हूँ तो सारा कुछ खत्म हो गया। पर साहिब दीना कांग क्योंकि अकाल की ताकत है ना अकाल नूं कोई नहीं खत्म कर सकता। गुरु नानक साहब ने गल लिखी हुई है कूड़ निखुटे नानका औड़क सच रही वो आप पहरा दे के आप वरदा तो साहिब ने वह अकाल पुख्तों जिहड़ा आदेश होया उहदे नाल एक खत लिखिया जिहनूं आपां जफरनामा कहने। गुरु साहब ने सारी गाथा लिखी उस चों मजेदार गल समझण वाली पता कि है साहिब औरंगजेब नूं कहंदे आ भी तू बड़ा अपने आप नूं धर्मी कहना तेरे धर्म कर्म नूं मेरी नमस्कार है भी तू नवाज पढ़ना है पंजे वक्त दा नवाजी है तू लिख के कुरान शरीफ दियां आयतां वेचदा उत्थों कमाउना फिर तू खाना है तू राज भाग दे विच्चों नहीं पैसा लैंदा तेरे सारे गुण बड़े वधिया ने पर तेरे वर्गा नीच तेरे वर्गा मकार तेरे वर्गा धोखेबाज तेरे वर्गा गिद्दड़ तेरे वर्गी भेड़ चाल करदा दुनिया उत्ते मैं कोई नहीं वेख्या। तेनू लगता होगा कि तू गोबिंद सिंह दे छोटे साहबजादे वड्डे साहबजादे माता पिता इन्हों शहीद करके समझा होगा भी खत्म कर दिता सारा कुछ पर औरंगजेब नहीं। ये खालसे की तबाही पिछे भी साडा कोई राज है ये व्योंतबंदी साडी हुई है सारी जिदा तत्ती तवी ते बैठ के गुरु अर्जन साहब कहिंदे सी ना 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 मियां मीर जी ना 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 असीं इतिहास विच नवा रंग भरना है। ते अज ओह जफरनामे विचों गल साक्षात रूप से उभर रही है गुरु साहब अपनी कलम नाल कहिंदे ने औरंगजेब साडी इस तबाही पिछे भी कोई राज है असीं एडा वड्डा इतिहास सिर चले हाँ हुण असीं थोड़ा समा ही इत्थे हाँ बट हुण एडा वड्डा इतिहास सिरजिया जा चुकिया हुण रहिंदी दुनिया तक सच दे इस चिराग नूं कोई बुझा नहीं सकदा और मैं तेरे पैरां थले बड़ी छेती इहो जी अग बालन वाला कि तेरी हुकूमत सड़ के राख कर देंगा। हुण लोकी कहिंदे हुण कमला है बोरा ये की गल्लां ने तेरे पल्ले है की है ये साढ़े पल्ले से साड़ी झोली च पा गया मेरा पिता बस उहदे अगे अरदास करनी है महाराज वह शक्ति जिहड़ी तू कहा सी जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दिओ मैं सारा मैनू न्यारा कर ते अपना तेज मैनू दे मैं तेरा काम कर सकां मैनू अपने काम की कोई लालसा नहीं है मैनू अपना घर अपना परिवार अपने बच्चे अपना पैसा मैनू अपना नहीं दिस रहा मैनू ये दिस रहा है कि मैं तेरे चरणों के भी तेरा सेवादार हाँ तू बस मेरे सिर पर हाथ रख दे ते मेरे शरीर नू उस विद्या दे
पसार लई वरत लै जिस विद्या के पसार लई गुरु नानक साहब ने एक एक बड़ा नगारे ते चोट मारी सी, मैं उस विद्या ग्रहण करना चाहना ते उनू वंडना चाहना है। तो बेटा जी सच अगे कोई रुकावट नहीं बन सकती। इतिहास ने गुरु साहब के अगे एडिया रुकावट खड़ा कीतियां, पर गुरु साहब ने इतिहास में एक नवी दिशा दिती। आस दो नक्शे ने, पहला नक्शा गुरु नानक साहब के प्रकाश वेले का, उस वेले मुगल हाकम जड़े आते इन्ना क उन्होंने कब्जा सी, बाकी इतों के हिंदुस्तान के राजे सन, लोधी राजवंश बस इन्ने क नक्शे ते काबिज सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक पहुँचते ने किड्डा वड्डा काम करते ने, पर दूसरे पासे मुगलिया सल्तनत ने यह सारा हिंदुस्तान अपने कब्जे च कर लिया होया। हुण देखियो अंतर की है। इतिहास नू इनवेटमिन दा लाइनस जाके पढ़िया करो, सत्रां दे विचारों पढ़िया करो कि बिच की लिखा होया है कि गुरु नानक साहब दे वक्त ये हमलावर थोड़े जे खिते ते काबिज सन, पर अज इन्हां दा कब्जा समुचे एक काबल दे नाल एकमेक है भारत। ते गुरु साहब नंदेड़ दी धरती तो 1708 दे विच थापड़ा दे के, क्योंकि हुण इस धरती नूं पोली करे आए ने जलम जुलम दा नाश करन दे लई, इस जालमां दी इस धरती नूं गुरु पिता जी ने पोलिया कर दिता है। ते माधोदास बैरागी नूं थापड़ा दे के खंडे बाटे दी पौल बख्शिश करके 1710 विच जदों इत्थे पहुंचन दा 1708 विच आदेश कर दिंदे ने, पर बंदा चप्पड़ चिड़ी दे मैदान 1710 विच आके टक्कर लैंदा है। 1708 विच गुरु साहब ज्योति ज्योत समा जांदे ने, ते अज 1710 है। मैं गल आरंभ करन लग्गिया तुहानूं 711 दस्सिया सी, मुहम्मद बिन कासिम दा पहला हमला 711, ते अज किन्ने साल हो गए 1710, किन्ने साल हो गए? शाबाश, बड़ा सधारण जिहा सवाल है। 711 तो 1710 तक किन्ने साल हो गए? 999 साल हो गए, है ना। 1000 साल होने जे एक वरा बाकी है, 1711 च 1000 हो जाने ने। 999 साल पुरानी हुकूमत नू जड़ों पुट के सुट देना कोई खालाई दा वाड़ा तां नहीं सी। अपनियां ताकतां दा अनुभव करो। गुरु साहब कहिंदे मेरी लाडलियां दी शहादत दे पिछे बहुत वड्डा राज है औरंगजेब, इहनू तूं मेरी हार ना समझी, इहदे पिछे भी साडा कोई राज है। मैं तेरे पैरां थले इहो जी अग बालन जा रहा, तूं हुण राख हो जाएगा। सतगुरां दी ज्योति ज्योत समाउण तों 2 सालां बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 999 साल पुरानी हुकूमत नूं मूहे मूँह सुटिया, सिक्का चलाया, एक तख्त खड़ा कर दिता उहदे बराबर। 1716 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत होंदी है। बहुत थोड़ा समा, इतिहास नूं बहुत गंभीरता नाल पढ़न की लोड़ है। इतिहास नूं 3 पक्षां विच देखांगे आपां अज। पहले पक्ष है गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी का, जदों उन्होंने 10 जामियां दे विच साक्षात आप वरते और समाज नूं अगवाई दित्ती। इतिहास का दूजा हिस्सा है गुरु साहब के जाण तों बाद जिन्हों आप कहने प्लैन ए व्योंतबंदी उड़ा, जिदे तहत बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 999 साल पुरानी, जे उस वक्त वह काम ना किया जाता लोगों के दिल दहल जाने सी, लोगों ने घबरा जाना सी भी ये की हो गया। पर गुरु गोबिंद सिंह पिता जी नूं पता सी ये ढंग असली ढंग नहीं, ढंग एक होर है। 239 साल लए गुरु साहब ने आप 1469 तो 1708 तक, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं 8 साल काम करन दा मौका दिता। इतिहास का दूजा बड़ा खूबसूरत पहलू है, जे पहलू गुरु साहब ना वरताउंदे तां लोकां दे दिल दहल जाने सी, लोकां ने घबरा जाना सी, पर गुरु साहब ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भेज के उन्हूं बख्शिशां दे के मुगलिया सल्तनत नूं एक बार जड़ों पुट के सुटिया। पर 999 साल पुरानी सल्तनत है, इन्नी छेती छड्डण वाली थोड़ा। तो गुरु साहब कोल प्लैन बी भी सी, असीं इदां कदी इतिहास नूं नहीं पढ़दे, आपां उहदे वल वधांगे। बट ये प्लैन ए इत्थे मुकम्मल हुंदा है, ये बाबा जी नूं गुरु पिता जी ने पहला ही भाई रण सिंह भाई विनोद सिंह उहनां नूं दस दिता सी कि ये इदां होना है। पर तुसीं एक बार जाके सल्तनत नूं उखाड़ के अपना सिंघासन स्थापित करना है, जिन्ना लम्मा समा कढ सको कढ़ना है, पर तुहाडियां शहादतां हो जाणियां ने। बाबा
बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत किवें हुंदी है देखो तुसीं सुनिया नहीं जांदा सामने जिगर का टोटा वह चीर पाड़िया गया वह दिल पाड़िया पिछों कढ़ के बाबा अजय सिंह का दिल कढ़ के बंदा बहादुर के मूँह थोपया ये तुहाडे गुरु की बख्शिश है। हुण देखो माधोदास कौन सी एक बार शिकार खेड़दा उहदी तीर दे नाल तुहानूं पता हिरनी दे ढिड चों बच्चा निकलिया तो उहने विरागी ही हो गया सी घबरा गया सी ते अज देखो वो सामने वो बच्चे की छाती पाड़ के दिल कढ़िया गया घबराया नहीं है। ये है खंडे बाटे की पहल की बख्शिश खंडे की बख्शिश एडी है कि वह बंदा जोड़ा ढिड के हिरनी के शिकार खेड़ तीर लग गया तो वह चकरा गया से यह हो गया तो अज वो सामने वो बच्चे की छाती पाड़ के दिल कढ़ के मूँह च थोप दिता गया नहीं घबराया एड्डी वड्डी शहादत आप साखियां सुनते हैं इन कविश्रियां गाने पर इन बैटमिन का लाइनस की लिखा पिया है ये मगर कम की होया असी भी वह कम करना ये बारे कभी सोचते ही नहीं हाँ सानू लगता भी एक कहानी जी है इनू सुना लीए इनू गा लीए पर यह नहीं सोचते कि असी अजय सिंह बनना है। अजय सिंह की शहादत तो बाद की होया ये क्यों हुई ये की कारण सन ना इदा इतिहास लिखा गया ना इतिहास इदा पढ़ाया गया ये प्लैन बी है। भाई दरबारा सिंह तो आप जानते ही नहीं है इन्हों का ना ही बहुत घट सुनींदा है ये दूसरे प्लैन नू लैके अगे वधन वाले ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल भाई विनोद सिंह होरां नू भेजिया जिन्हां नू बुढ़ा दल दे पहले जथेदार कहा जांदा है उन्होंने भाई विनोद सिंह होरां ने जिम्मेवारी भाई दरबारा सिंह नू सौंपी ये हुण प्लैन बी आरंभ होया। इतिहास का एक पक्ष देखो गुरु नानक साहब चलते ने कर्मकांडा के खिलाफ आवाज़ कढ़ते ने हौली हौली अगे चल के गुरु अंगद साहब गुरु अमरदास जी दस जोतां दे विच लामबंद करते ने गुरु साहब वड्डा काम करके गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरगद्दी दे के ज्योति जोत समा जांदे ने। इतिहास के दूजे पक्ष विच बाबा बंदा सिंह बहादुर 999 साल पुरानी हुकूमत नूं हत्थां पैरां दी पा दिंदे ने और पर छेती हुई उन्हां दी शहादत 6 सालां बाद 1710 तो 16 च हुण 16 तो बाद की हुंदा है 1801 तक ये 85 वरिया का समय इनू वाचना बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय के विलखणता की है यदि अहमियत की है कि हम इस समय च गुरु साहब खुद नहीं है गुरु साहब अपना कार्ज करके ज्योति जोत समा चुके ने खालसा राज करके फिर कैद हो चुके आ शहादत हो चुकी ने हुण 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 की हो रहा है इनू पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है तुसीं अज भी इहो जिहे हालात जिंदगी जो रहे हो की किया 1716 तो 1801 तक भाई दरबारा सिंह होर ने अध्यापन का बहुत वड्डा काम किया उन्होंने नौजवानों बच्चों जिन्हों आप अंग्रेजी कहने ना ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डिवेलप किया उन्होंने मनुखी वसीलों का विकास किया बच्चों देखिया कौन विद्या दे सकता है उन्हों विद्या देने दे लिए परपक्ता दत्ती कौन घोड़ियां दी परख कर सकता है कौन जसूसी कर सकता है कौन लंगर तैयार कर सकता है कौन वस्त्र तैयार कर सकता है कौन खेतीबाड़ी कर सकता है कौन की कर सकता है गुरु साहब दे इस सिख ने गुरु साहब की व्योतबंदी बंदा सिंह बहादुर के नाल दो प्लैन बन के आते हैं प्लैन ए ते प्लैन बी प्लैन बी बाबा विनोद सिंह राही चलता है प्लैन ए बाबा बंदा सिंह बहादुर राही काम करता है प्लैन बी दे विच दूजी अगवाई भाई दरबारा सिंह होरां कोले आउंदी है भाई मनी सिंह भाई दरबारा सिंह इकट्ठियां काम करते हैं। दरबारा सिंह जी तो बाद नवाब कपूर सिंह नूं सिख राज दे पितामा कहा जाता है। इन्होंने मिसलां नूं लामबंद किया पहला दो जथे बनाए तरना दल ते बुढ़ा दल फिर जथियां दी गिणती बहुत ज़्यादा वध गई फिर उन्होंने कट्ठियां करके 12 समूह लिया सो नवाब कपूर सिंह होर ने बहुत वड्डा कार्ज किया। उस तो बाद 38 दे विच नवाब कपूर सिंह होरी 1734 तो 1748 लंबा समा अगवाई करते हैं इन्हों दे काल दौरान ही 1738 विच भाई मनी सिंह होर के बंद बंद कट के उन्हों की शहादत होंगी है। जो भाई मनी सिंह के इतिहास में सरवण करना है धन है इस सूरवीर नूं जन्म देने वाली माता जी के सारे पुत्र शहीद होए झोलिए अड्डनी है कि पिता मैनू भी यह जी कुख दे
मैनू भी वह जहा बना के तेरी विद्या के प्रसार लिए भाई मनी सिंह विद्या के प्रसार लिए बहुत वड्डा काम करते हैं। भाई मनी सिंह का वड्डा योगदान विद्या का प्रसार ही है। भाई मनी सिंह बहुत वड्डे अध्यापक का काम करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई दे विच श्री हरिमंदर साहब के ग्रंथी का जिहड़ा काम सी वह विद्या देना ही होया करता सी और बहुत विद्या का पोथियां लिख के इतिहास सुना के समझा के भाई मनी सिंह की एक बहुत वड्डी अध्यापक की जिम्मेवारी भाई मनी सिंह होरां ने निभाते हैं। उस तो बाद 39 नादर शाह की लुट हुंदी है। ये पहली टक्कर है हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद वड्डी टक्कर जदों नादर शाह दे अगे कोई नहीं खड़ता मराठियां नूं जीरो करके खत्म करके लुट खसुट के अगे वधदा है तो नवाब कपूर सिंह की अगवाई दे विच नादर शाह नूं खालसा लुटदा है। वह समझदा है भी ये की हो गया शायद लाहौर के सूबेदार की शरारत है और उन्हें पता लगता भी ये तो सिख एक बहुत वड्डी जथेबंधक ताकत बन गए ने। ये 1716 तो लैके 39 तक जिहड़ा ये समा ना इहदे विच मनुखी वसीलियां का विकास होया बहुत जीवन घड़े गए नौजवानों नूं लामबंद किया गया जथेबंद किया गया। यह वक्त सी जदों किसी भी आम व्यक्ति नूं अमृता बाटे की बख्शिश नहीं होया करती सी। जो अंदर आउंदा सी वो अपना आपा अर्पण करके आउंदा सी ते ये ताकत पता किड्डी वड्डी बन गई सी। आपां इतिहास नूं इदां नहीं पढ़दे कदी। एशिया की सब तो वड्डी ताकत है फ्रक्शियर। फ्रक्शियर नवाब कपूर सिंह अगे नवाबी की पेशकश करता है, कहिंदा मैं थोड़े नाल नहीं लड़ांगा। नादर शाह नूं लुट लिया सी, उन्हें सोचा भी ये जिहड़े नादर जी दे कोलों हार खा के भज गया तो मैं किहड़े बाग दी मूलियां। तो फ्रक्शियर उस वक्त एशिया की बहुत वड्डी ताकत है। उन्हें आके गोडे टेके कहिंदा तुसीं नवाबी लै लिओ, मैं तुहाडे नाल लड़ना नहीं चाहुंदा, मेरे नाल संधि कर लवो। बेटा जी हुण तुसीं अध्यापक हो, हुण देखियो घाट की हुंदी है। घाट की परिभाषा देखो भी घर ना कहिंदे किनू ने। नवाबी की पेशकश जदों हुंदी है तो उस वक्त भाई दरबारा सिंह होरी कौम के जथेदार ने, तो सुभाविक है भी जिहड़ी पेशकश होनी है कौम के आगू नूं ही होनी है। ये पेशकश भाई दरबारा सिंह होरां नूं हुंदी है। तो भाई दरबारा सिंह उस वक्त बुढ़ा दल के जथेदार भी सन और श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की सेवा भी ये निभा रहे सन। तो भाई दरबारा सिंह कहण लगे भी मेरे कोले बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां ने, ते मैं नवाबी मेरे काम की कोई वस्त भी नहीं है। उन्होंने मोड़िया ते नवाबी पता कौन लैके आए सन? कौन लैके आए सन? सुबेक सिंह होरी। सुबेक सिंह उस वक्त सूबा लाहौर की हकूमत दे विच बहुत वड्डी ओहदे उत्ते सन। ते जदों वह नवाबी लैके आए तो भाई दरबारा सिंह ने मना कर दिता कि मेरे काम की वस्तु नहीं। हुण देखियो घाड़त की हुंदी। ते सुबेक सिंह कहण लगे भाई दरबारा सिंह नूं कि जथेदार जी ये साढ़े लिए बहुत वधिया समय कि आपां हकूमत दे नाल एक वारी शांत होवे माहौल ते आपां होर अगे वधीए ते तुहानूं नवाबी लै लेनी चाहीदी है। भाई दरबारा सिंह कहण लगे मेरे कोले गुरु गोबिंद सिंह दा बख्शिया होया बहुत वड्डा प्लैन है, मैं उस प्लैन ते कम कर रहा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा एक प्लैन बी सीगा, सानूं पता ही नहीं की सीगा। वो कहन लगे सुबेक सिंह मैनू बाबा विनोद सिंह दे हत्थी गुरु गोबिंद सिंह दी व्योंतमंदी प्राप्त हुई है, मैं उहदे ते कम कर रहा। मेरे कोले नवाबी लैण दा वक्त नहीं, मैं सचार मनुखां दा काफला खड़ा कर रहा, नवाबी तो साडे पैरां दी जुत्ती च रुलेगी। पर सुबेक सिंह नूं लगदा सी भी नहीं ये नवाबी लै लेनी चाहीदी है, ये साडे हित विच है। जदों उन्होंने जिद कीती ते भाई दरबार सिंह कहण लगे सुबेक सिंह जी जे तुसीं बहुत ही जिद करदे हो तां मैं तुहाडी ये दरखास्त पंजां प्यारियां दी सेवा च रख दिंदा जिवें उह फैसला करनगे, पर यह नीयत है कि दरबारा सिंह कोले नवाबी लैण दा वक्त नहीं, क्योंकि दरबारा सिंह अध्यापन दा कम कर रहा है। मैं अध्यापक दा कम छड के नवाबी नहीं लै सकदा। आ अंतर देखियो, तुसीं गुरु अंगद साहब दी वी गल करदे हो ना कि वह जदों आया शेर शाह सूरी इत्थे है ना, तो सॉरी शेर शाह सूरी तो हार के हमाजू जो इतने आता है तो गुरु अंगद साहब तो की कर रहे थे? अध्यापन कर रहे थे, बच्चों नूं पढ़ा रहे थे। हमाजू नूं कहता उत्थे खड़ा रहे पिछे, मेरे को तेरे वास्ते वक्त नहीं। अज उही गल दरबारा सिंह ने दोहराई कि सुबेक सिंह मेरे को नवाबी वास्ते वक्त नहीं, क्योंकि मैं की कर रहा, मैं अध्यापन कर रहा। यह देखियो अध्यापन का महात्म कि महत्वपूर्ण है।
ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਚੋਇਸ, ਜਦਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਘੋੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾੜਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਬਜਿੱਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀਓ, ਨਵਾਬੀ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਮੋੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਜਿੱਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਰੂਹ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੈਫਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਬਜਿੱਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਤਾਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਗੋਡਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੱਖੀ ਹੀ ਝੱਲ ਲਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਖੀ ਝੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਕਪੂਰ ਸਿਆਂ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਾੜਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਘਾੜਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਘਾੜਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ,
मैं हुण तुहानूं दसदा आ अपने कोल 150 बच्चा बैठा आपां इहनूं 150 कमरियां 'च बंद कर दिंदे आ इहनां नूं 15 सवाल करन दे दिंदे आ इह सारयां दे वख वख जवाब होणगे पर जिहड़ा उदों अध्यापन हुंदा सी ना जिहनूं जिथे मर्जी टणका लो इक्को ही आवाज़ आऊगी एक सवाल का इक्को ही जवाब आऊगा आपां इहनां नूं 2 साल पढ़ाया इत्थे हो सकदा 15 साल दे पढ़दे आ रहे ने फिर बी ए भी कर ली बी एड भी कर ली हो सकता इतने 17 साल ही लाते हों पर मैं यकीनन तौर पर कह दिना कि मैं इन्हों एक इम्तिहान दिना सारे दिया वक् वक् आवाज़ा आनगियाँ घड़िया ही नहीं गया पता ही नहीं इतिहास की है इतिहास में सुनना महत्वपूर्ण नहीं है इतिहास में सुना महत्वपूर्ण नहीं है इतिहास में दोहराना महत्वपूर्ण है इतिहास में रचना महत्वपूर्ण है पुत्र जी आपां इतिहास नूं रचना है अज मैं तुहानूं गल कर रहा मैं तुहानूं कोई भाषण नहीं कर रहा मैं तुहानूं अपना दिल दीआं अंदरां खोल के तुहाडे चरणां च रख रहा कि आपां जाणा किधर नूं है अजे तां मैं तुहानूं भूमिका ही बन रहा मैं गल नहीं अजे कोई कीती अज तां मैं तुहानूं भूमिका ही दर्शा रहा असीं कौण आ साडी विरासती विद्यक प्रणाली की है साडी विरासती विद्यक प्रणाली असीं इदां घड़ दिंदे आ अपने आले दुआले जिहनूं मर्जी जिथे मर्जी टणका लो आवाज़ एक ही आवेगी नवाब कपूर सिंह कहिंदे बाबा जी मेरे कोले वक्त नहीं है भाई दरबारा सिंह ने इन्ने काम दिते हुए ने मैं नवाबी कित्थों करांगा वह कहिंदे भाई दरबारा सिंह ने पंजां सिंघां दी जिम्मेवारी लाई सी ते पंजां सिंघां ने नीयत करके मैनू भेजे है कि जिहड़ा योग लगदा है उहनूं इह सेवा बख्शणी है ते मैनूं गुरु पिता जी ने तेरे वल इशारा कीता हुण इह तेरा काम नहीं इह खालसे दा हुक्म है चल ताबिया गुरु ग्रंथ साहिब दी ते गल 'च पल्ला पा के कहिण लगे जे खालसे दा हुक्म है जिथे मर्जी लै जाओ पर घोड़ियां दी लिद दी सेवा मैं ही करांगा घाट देखो किड्डी वड्डी है कहिंदे घोड़ियां दी लिद बाबा जी मैं चकूंगा तां मैं चलूंगा कहिंदे ठीक है घोड़ियां दी लिद तू ही चकेंगा ते इक कपूर सिंह ने कौम नूं जथेबंद कीता 12 मिसलां बना दित्तियां इन्हां नूं सिख राज दे पितामा कहा जांदा क्योंकि इन्हां ने इहो जिहा सिख राज दा नवाबी दी पहली जिम्मेवारी निभाई जिहने दुनिया 'च इक सिक्का चलाया एक विलक्षण तरां दा इही समां सी बोता सिंह गरजा सिंह की शहादत होंदी है 1738 नवाबी मिलती है उस तो बाद शहादत भाई महताब सिंह भाई सुखा सिंह भी अपनी जिम्मेवारी इस समय निभाते ने जो मसा रंगड़ का सिर वढ़ के लैके जाते हैं भाई तारू सिंह की शहादत भी इस समय 1745 होंदी है 1745 दे विच ही सुबेग सिंह जिन्हां ने यह नवाबी की पेशकश की सी क्योंकि फिर उस तो बाद सूबा लाहौर सुबेग सिंह जी ने उन्होंने ये कह रहा कि सूइया बन के सिखा च काम कर सकता सुबेग सिंह जी ने मना कर दिता उन्हों का बेटा शाहबाज सिंह बहुत सुंदर नौजवान सी उन्हूं काजी चाहता सी मेरी बेटी नाल दा विआह हो जाए उन्होंने अपना धर्म तब्दील नहीं किया सो ये दोनों दोष ला के सुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह जी ने चरखड़ियां ते चाड़ दिता गया 1746 छोटा घल्लूकारा होया कानूवान के छंभ दे विच एक पासे दरिया वगदा एक पासे जंगल नूं अग ला दित्ती तीजे पासे पहाड़ है ते चौथे पासे फौज सिर ते चढ़ के आ गई बहुत वड्डा कतलेआम होया पर नवाब कपूर सिंह दी अगवाई विच सिखां ने बहुत उत्थे जाहो जहलाल अपने चढ़दी कला दिखा के उस विच निकले ते मालवे वल नूं सिख आए मालवे वल नूं आए तां अगे आ के फिर अगली अगवाई जिहड़ी है 1746 छोटा घल्लूकारा हुंदा इह वक्त नवाब कपूर सिंह जी दा है हुण अगली पीढ़ी आ जांदी है पहली पीढ़ी दरबारा सिंह गुरु साहब के जाण तो बाद ख्याल रखियो ना पीढ़ियां दा दूजी पीढ़ी नवाब कपूर सिंह तीजी पीढ़ी जस्सा सिंह आलूवालिया इन्होंने भी बड़ा लम्मा समा कौम की सेवा निभाई 48 तो 83 कोई छोटा जिहा वक्त नहीं गा जस्सा सिंह आलूवालिया ने बहुत वड्डा अध्यापन किया आपां कहने जिहड़ा अज दा डिवेलप्ड नेशनस ने उन्हां दी सब तो वड्डा जिहड़ा गुण है ना वह साडी कौम नूं जस्सा सिंह आलूवालिया ने बख्शिश किया सी की गुण है दुनिया का जिन्हें विकसित मुल्क ने उन्हां दा सब तो वड्डा गुण की है वह बहुत ऑर्गेनाइज ने हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है ऑन रैकड है सब कुछ कला कला बंदा वो आई प्रिंट उदियाँ हत्थां वो लत्त वो बांह कितने नौकरी करता की काम करता उदा ढांचा की है हर चीज़ वो उन्होंने अपने आप में विकसित इदा किया कि उन्होंने जथेबंद किया जो नेशनस डिवेलप होंदिया ने पहले वो अपने आप में ऑर्गेनाइज कर दया ने हर एक बंदे दे विकास वल ध्यान देना होंगे भी ये पढ़ गया ये कोल खाण नूं रोटी है ये कोल कला है तो ये काम जस्सा सिंह आलूवालिया ने नियत कर दिता आपां मिसल कहने ना मिसल का मतलब की हुंदा हाँ फाइल कागज़ की गुत्थी नूं कहंदे ने मिसल
मतलब कि हर गल नूं लिखत विच लैके आना। जस्सा सिंघालू वालिया ने 12 मिसलां दे सरदारां नूं बिठा के कह दिता कि दो गुत्थियां कागज दियां लवो, एक गुत्थी अपने कोले रखो तो एक अकाल बुंगे ते जमा करा दिओ। तुहाडी जिन्नी प्रगति हुंदी आ उहदा इक उतारा अकाल बुंगे ते आवेगा, उहदा फिर अगला उतारा उत्थे आवेगा, उह तुहाडी गुत्थी विच इक उत्थे। उह गुत्थी विच है की सी जिहड़ी मैं पहलां गल करके आया ना, एवें जिहड़ा मर्जी अमृत पान कर लैंदा सी। इक इक अध्यापन हुंदा सी, एक विद्या दिती जांदी सी, उस विद्या दे विच्चों जदों निकल के विद्यार्थी की घाट हुंदी सी उह फिर सचार मनुख वजों प्रफुल्लत हुंदा सी। ते इह गल साडी झोली च बहुत वड्डी जस्सा सिंह जी ने की पाई कि 12 मिसलां दे विच हर मिसल दे किहड़े जथे विच, मिसलां दे अगे जथे हुंदे सी, उह किहड़ा बच्चे दा जन्म होया उत्थों तक उहदे च लिखिया जांदा सी, तो उपर तक पहुँचदा सी। इह बच्चा साल बाद इहनूं की विद्या दे दित्ती गई है, इह इहदे च किहड़े किहड़े गुण हो गए ने, इह विद्या देण वाला अध्यापक कौण है, मतलब कि पूरा वही खाता तहां तक जांदा सी। इकले इकले बच्चे दी घाट दा विद्या दे पसार दा वड्डा काम सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया करदे सी। मतलब कि एक छोटा जा विद्यक ढांचा नहीं सीगा, इहो जा विद्यक ढांचा सीगा भी बच्चे दा जन्म हो गया उदों तों नियत हुंदा सी इहनूं अध्यापक किहड़ा तैनात होना, इहदी किन्नी विद्या किने करवाउणी आ, उदों बाद इहदे किहड़े गुण ने, इह किहड़े उस्ताद कोल जाणा। इह एवें इह सिर्फ गाउण वाली गल नहीं कि साडे आए राज सी, इहदे मगर मिहनत किड्डी है। इस मिहनत नूं देखो कि हर गल लिखत विच आउंदी सी, उहनूं मिसल कहिंदे सीगे। मिसल एवें जथे दा नाम मिसल नहीं सी, कला कला काम लिखते आता सी। ये विकसित मनुखा ने अज किया है और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए किया है, पर तुसी ध्यान दे मारो कि तुहाडे बजुर्ग किन्नी मेहनत करते होंगे, किन्नियां लिखतां लिखते होंगे, किवें रिकॉर्ड रखते होंगे, किवें सारा कुछ प्रबंध करके व्योंतबंद करते होंगे। सो ये एड्डी ताकत जदों जथेबंद हुंदी है तां ये वक्त है जदों मीर मन्नू एक बड़ा वड्डा जुल्म करदा है। हुण आ जुल्म किवें हो गया देखो, ये जुल्म दसदा कि मगर अध्यापन होया होया है। मैं तुहानूं हर गल नूं मतलब कि बहुत वड्डी तुहाडी उडारी लैण की कोशिश कर रहा हाँ कि अपने इतिहास नूं सुनो ना, इहदा मुलांकण करो, इहदा मुल पा के अंक लाओ, लाओ अंक इहदे किड्डे लगदे है। अध्यापन का मुल देखो किड्डा वड्डा है, 99% नंबर दे देने जवाकों नूं वक्री गल है। आ जवाकों विच एड्डी समर्था पा देनी कि निजी ते टंगिया जा रहा है ते सी नहीं करदा, इह अध्यापन देखो किड्डा वड्डा अध्यापन। इतिहास में वार्ता आती है, मैनू बहुत बल मिलता, मैं बहुत बारी इनू सुनाया करदा, कहिंदे आ जदों मीर मनू ने एडे जुल्म दित्ते ना, ते रात नू एक दिन एक माता जिहड़ी अपने गल विच उहदे हार पाया होया बच्चों का लहू लहान होया पिया, उत्थे बीबियां बैठियां, ते एक बीबी ने उहनू पहरेदार नू हाक मारी, कहिंदे वीर गल सुण, हुण रस्ते च लहू लहान होया पिया, उह लहू लहान होए बच्चों विचों लंघ के जाणा, उह पहरेदार दूजे पहरेदार नू कहिंदा बीबी हाक मारदी आ, वो कहिंदा यार इहनां ते बहुत जुल्म हो रहा, बेचारी पानी की घुट मंगदी होनी, रोटी का टुक मंगदी होनी, जा दे आ तू। कहिंदा हुण लंघे कित्थों, वह तो लंघना देखना ही बड़ा औखा है। उत्थे पहुँचदा है तो वह बीबी पता उहनूं की कहिंदी है, वह कहिंदी वीर ना आ जिहड़ा मेरे गल च हार पाया ना, वह बीबी दा आ, तो वह बीबी वाला हार उहदा, वह मेरा आ, ऐ कर आ हार उत्थे पाया तो वह वाला लिया के मेरे पा। देखो आया अध्यापन, अध्यापन ये नहीं कि महाराज मैनू पुत दे दो मैं इन सुखना सुकदी हाँ, आपां कित्थे खड़ोते हाँ। यह है अध्यापन का एक सिरा, यह है विरासती विद्यक प्रणाली कि असी ईन नहीं मानते क्योंकि असी अकाल दे पुजारी हाँ। मतलब कि गुरु साहब आप ही उडारियां नहीं मार के गए, गुरु साहब यहोजी विद्या दे गए कि उस विद्या नूं ग्रहण करन वाले सिख ने बड़िया वड्डिया वड्डिया उडारियां मारियां। एक बहुत वड्डा अध्यापन होया। हुण आपां देखणा जिहड़े 25 बच्चियां ने इत्थों बीएड करके जाणा, उहदे विचों किन्नियां इस काम लई तैयार ने, तैयार होना तां बहुत वड्डा सिरा है ना, किन्नियां झोली अड के गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां च रोज़ अरदास करदियां ते विलकदियां ने, पिता जी ये वाली ताकत दे दिओ, मैं तुहानूं अध्यापक बनन चलनी आ, मैं की करूँगी उत्थे जाके। उह किन्नी क ताकत मंगदी है इह, इह इह साडी विद्या आ विरासती। बाबा दीप सिंह की शहादत भी इस समय च हुंदी है जदों सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया कौम की अगवाई कर रहे हैं 1757 दे विच, बाबा जी एक बहुत वड्डा इतिहास रच के शहादत का जाम पींदे ने। फिर 1762 च वड्डा घल्लूघारा हुंदा है,
ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇ ਉਦੋਂ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ। 1783 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਣਥਕ ਘਾਲਣਾ ਆ। 1716 ਤੋਂ 1801 ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੀ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਥਕ ਘਾਲਣਾ ਸੀ। ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਚਾਹਵਾ ਸਿੰਘ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂਘ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਡੀ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਿਸਲਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ, ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਛੋਲਿਆਂ ਜੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ, ਤੇੜ ਕਛਹਿਰਾ ਤੋਲੀਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਬਸ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇਗੀ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਹਨਤ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘੜਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਰਹਿਣਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੈਬਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੱਬਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ? ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲ, ਪਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਜਮਾ। ਇਹਨੂੰ 332 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 239 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਲਾਏ,
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ 1801 ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ 93 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ 332 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਅਧਿਆਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ ਏ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨ ਅਰਲੀ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਹੈਵਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਯੂਰਪ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਬੈਟਰ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 18 ਫਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਬਿਸਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਕੂਲਸ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਲੋਜਿਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੋਜਿਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਸਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਸਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 18 ਸਕੂਲ ਸਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਹ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਕੂਲ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਰਨਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੀਗਾ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ 1809 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 8 ਸਾਲ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ 93 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ 239 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੁਣ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ 1809 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਲਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 1809 ਦੀ ਸੰਧੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ 1809 ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਲਫ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਸੱਚਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਟਕਲਫ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਟਕਲਫ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਕਲਫ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਕਲਫ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ 1809 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 1809 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜੀ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਢੰਗ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵੱਜਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਗੇ ਇਹ
भी हूँ तो चंद्रमा नाल आपां भी हूँ भी जो दरबार साहब जाइए अंदर लंघ के तो तोशा खाने थले की जो आप दर्शन ड्यूटी चो अगे नूं जाने आ तो खब्बे हाथे घड़ी लगी हुई है नोट करो भाई लहणा सिंह साहब बनाई वो घड़ी सूरजी घड़ी दरबार साहब नूं जाइए ना अंदर खब्बे हाथों के दर्शन कभी किते भी होणगे पर हुण ध्यान ना करो वो सूरजी घड़ी है उन्हूं देख के प्रकाश हुंदे सी ये कहिंदा भी इह रात नूं चंद्रमा की रोशनी ना वेखदे हुण मस्सिआं नूं किवें करनगे कहिंदे मस्सिआं नूं भी ठीक समय के उत्ते नरसिंघा वजदा है प्रकाश हुंदा है कहिंदा उन्हूं त्रेड़ियां आउणियां शुरू हुंदियां जाके ब्रिटेन की पार्लीमेंट नूं हैरान करदा कहिंदा इह लोक नेरी रात भी समा देखदे ने कहिंदा एड्डा वड्डा मुल्क आपां नहीं इहनूं हथ ला सकदे कहिंदा चंगा कीता तुसीं मैनूं संधि करन लई भेज दित्ता पता नहीं इहनां कोले किहड़ा ज्ञान है किहड़ा विज्ञान है इह तां हनेरी रात भी समा देख लैंदे ने कहिंदा ठीक समय ते उस वक्त नरसिंघा पजाउंदे ने वो बड़ा कायल होया कहिंदा पंजाब वर्गा समय का पाबंद दो ये मैट कैलोव एक बहुत वड्डा फौजी जरनैल है कनेडा का गवर्नर जनरल रहा इंडिया का गवर्नर जनरल भी रहा उस वक्त एनवॉय बन के आया सी दूत बन के ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्हें हस्ताक्षर महाराजा रणजीत सिंह नाल इहदे होए हुए ने बेटा जी एडा साडा साड़ियाँ विद्या आ साडा कद है साड़ी विद्यक प्रणाली का कि साडा बच्चा बच्चा पाबंद सी समय का तो मैनू कहन च कई झिझक नहीं अज आप कितने खड़े हाँ तुहाडे घर च भी विआह हुंदे ने समागम हुंदे ने आपां भी आउने जाने आ कदी समय की कदर की किसी ने दसो जी की एडवांस गए असीं बेड़ा गर्क किया असीं अपना साडे कदमां नाल घड़ियां रलिया करदियां सी ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਛਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਲੇਟ ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲੇਟ ਮਰਗ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੇਟ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਟਕਲਫ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤ੍ਰਿੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਛਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਟਕਲਫ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਿਆ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਘੁੰਮਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜੀਪਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਨੈਕਲੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਜਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਓ ਦੂਜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰੋ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਧਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਉਧਰੋਂ ਨੈਕਲੈਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਟਕਲਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੰਘਿਆ ਦੋ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੈਂਠਾ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਮੈਟਕਲਫ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜ ਕੇ ਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬੀਹੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਟਕਲਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਬੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਹੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਪੂਛ ਮਾਰਦਾ ਮੈਟਕਲਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟਕਲਫ ਦੇਖ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਤਾਂ ਕੈਂਠਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਕਲਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੇੜੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮੈਟਕਲਫ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਟਕਲਫ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਟਕਲਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ
दो मुद्दों पर काम कर रहे हैं। पहला मुद्दा की है, असी पंजाब का हर बछिंदा पढ़ा देना। एक बंदा भी साढ़े खिते च नहीं होगा, अजे पढ़ाया गया नहीं जी 1809 च। विद्वान कहें 1830 के पंजाब पूरी साखरता आती है, 21 साल लगे 1809 तो 1830 तक। एडा जबरदस्त अध्यापन किया, जो मैटकाल जवाब दिता कि साडा पहला मुद्दा है असी अध्यापन करके एक एक बच्चा पढ़ा देना। कहना दूजा काम की कर रहे हो? कहना दूजा काम मैं उही कर रहा जो मैंने सवाल पूछा है। मैं किरदार खड़े कर रहा, मैं सचार मनुख बना रहा। मेरा एक एक बछिंदा हथियार लैस होगा, ये को शस्त्र विद्या होगी, ये शरीर का रिष्ट पुष्ट होगा, ये मेरे पिंडा अख्तियार हो गए, ये रणजीत सिंह भी चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं जिथे मैं गलत चला। एडे वे लोकतंत्र की मैं स्थापना कर रहा, मैं अपने बुनियादी तौर पर लोगों पढ़ा लिखा के इन्ने स्याने कर रहा कि थोड़े पिंडा के अधिकार थोड़े को और तुसी कभी भी राजे नूं चुनौती दे सकते हो। इस पद्धर की शरीरक तंदुरुस्ती, इस पद्धर की खुराक इन्हों उपलब्ध करा रहे हैं, इस पद्धर के हथियार इन्हों उपलब्ध करवा रहे हैं कि हर पिंड अपने पिंड की सुरक्षा आप करेगा और पिंड के रखवाले वो तनखाह ते काम नहीं करनगे, ये सारे सेवादार रखवाले हो। मैटकल बड़ा हैरान हुआ भी ये करी जा रहा है, ये किदा के काम कर रहे हैं, इन्हों का पता ही नहीं सी दुनिया के कलोनिया बनाने के लगे हुए थे भी इतने कब्जा कर लिए उत्थे कब्जा कर लिए। राणी के राज सूरज नहीं छिपता, पर यहोजा काम उन्होंने नहीं किया। तो यह 1870 का गूगल करो तुम, इनू हिस्टरी पढ़ो। इंग्लैंड ने एलीमेंटरी एजुकेशन मुढ़ली सिक्ख्या देन का कानून 1870 बनाया, पंजाब ने यह काम 1809 आरंभ कर लिया। इंग्लैंड की हिस्टरी पढ़ो, सर विलियम फॉस्टर ने 1870 ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक एक्ट पेश किया जोड़ा कि अपरूव होया। 1870 निर्णय लिया गया चलो आप हूँ काम शुरू करते हैं कि इंग्लैंड के लोगों पढ़ा लीए, हूँ तक नहीं सी पढ़ाया। तो पंजाब ने काम 1809 शुरू कर लिया, इंग्लैंड पंजाब तो 61 साल पिछे सीगा। सो ये तुहाडे बजुर्गों का इतिहास है। सो 65 साल की अणथक घालना एक कवि श्रीयां गाउण वास्ते नहीं हैगी, ये मगर कम होया है, ये मगर बहुत वड्डा कम होया है। तो ये कम सानू नहीं किसी ने पढ़ाया, ये डाकूमेंटरी प्रूफ मैं हुण तुहाडे सामने रखन लग्या कि कम ये किड्डा वड्डा सीगा। ये GW लैटन की एक किताब है, क्योंकि असी अपना इतिहास नहीं लिखिया, असी कुछ होर ही करते रहे हैं। जे इतिहास में लिखा तो होर ढंग नाल ही लिखिया, पर इहदियां बिचड़ियां तंदा नूं फरोलिया इस आदमी ने। यह कहिंदा यह है कौन सी, ये GW लैटनर किंग्स कॉलेज लंडन का एक प्रोफेसर सी करदा सी। ते ए मैटकल्फ ने 1809 जी देख लिया कि पंजाब का विद्यक ढांचा बहुत शक्तिशाली है, जदों असी पंजाब ते कब्जा करांगे ते सानू इहदा विद्यक ढांचा नष्ट करना पैना। इहदे उत्ते व्योंतबंदियां पहले ही चल रही सी। ते उन्होंने जदों 1849 दे विच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब ते कब्जा किया तो उन्होंने ये काम नू उदों ही आरंभ कर लिया। तो विद्वानां दी भाल शुरू करती, विद्वान लभीए जिहड़ा पंजाब दा विद्यक ढांचा तहस नहस कर सकता होवे। तां उन्हां दी निगाह एक किंग्स कॉलेज लंडन दे भाषा दे प्रोफेसर ते गई जिहदा नाम GW लैटनर सी। ये आदमी पंजाब भाषावां पाणी वांगू बोलदा सी। आपां नूं किन्नियां गाउंदियां हुंदियां ने 2-3-4, वह भी आपां घिओ खिचड़ी जी करते रहने सारयां दी, पर ये आदमी पंजाब भाषावां पाणी वांगू बोलदा सी। ते ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस आदमी इन्होंने लिया के इनू पता कितने नियुक्त किया, अमृतसर साहब दे विच इंस्पैक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन तैनात कर दिता। जिवें अपना अजकल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस उदों पोजिशन सी इंस्पैक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन, उन्होंने लैटनर नू अमृतसर का इंस्पैक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन लाया क्योंकि साडा केंद्रीय स्थान से। लाहौर ते अमृतसर बहुत विद्या के गढ़ मने जाते सन, सियालकोट विद्या का गढ़ होया करता सी। ते इनू कहा भी तू अध्ययन कर भी ये है की है, विद्या का ढांचा की है, ये अपनी किताब लिखता। जिहड़े मर्जी ढंग तरीके अपना पंजाब की विद्यक प्रणाली नष्ट कर दे, क्योंकि इनू नष्ट किए बिना असी पंजाब ते बहुत ही देर काबज नहीं रह सकते। हिस्टरी नू पढ़ो, इनवेटमिन द लाइनस, अंग्रेजा ने जिथे इतने कब्जे किए
जो कब्जा कर लेंगे तो कोई अगे बोलता नहीं सी, कुसकता नहीं सी, राज कर लेंगे सी। पर पंजाब एक खिता सी जिथों की भी लंघते सी, क्योंकि हर पिंड अपने आप च एक शक्तिशाली इकाई होया करता सी। पिंड को अपना असला सी, पिंड को अपनी शरीरक ताकत सी, पिंड को सियाने सूझवान बजुर्ग सन। ये जिथों लंघते सी उन्हें बहुत वड्डी बगावत का सामना करना पैंदा सी। ये लाल सिंह गुलाब सिंह डोगरियां नूं कहिंदा सी कि तुहानूं इत्थों दा प्रधानमंत्री बनाया तो तुसीं रोकदे क्यों नहीं। उन्होंने जवाब दिता कि असीं रोक नहीं सकते, क्योंकि जिहड़ी इहनां दी ट्रेनिंग हुई है, जिहड़ा इहनां दा अध्यापन होया है, वह बहुत वड्डा अध्यापन है। उस अध्यापन नूं साडा कोई शाही फरमान नहीं कट सकदा। इहनां दी ट्रेनिंग इदां हुई हुई है, इह तुहानूं बगावत इदां ही मिलनी है। तो वह बगावत नूं इह हथियारां नाल नहीं सी कटना चाहुंदे। ये चाहते सी बगावत की जड़ नूं कट दिता जाए, अध्यापन खत्म करना है। तो उन्होंने अध्यापन खत्म करने लई ये आदमी किंग्स कॉलेज लंडन तो लिया के अमृतसर जिले का इंस्पैक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन तैनात किया। ये आदमी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का प्रिंसीपल बनाया। यही आदमी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का फाउंडर बनया। यही आदमी हाई कमीशन ऑन एजुकेशन ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश इंडिया नूं चेयर करता रहा। यह अपनी 598 सफ़ियां की किताब के बहुत ही हैरानीजनक खुलासे लिख जाता है, जेडे साडे इतिहासकारां ने नहीं लिखे। ये अपनी बहादुरी लिखदा कि मैं विद्यक ढांचा किवें खत्म किया। यदि एक किताब है, इन जरूर पढ़ लियो, हिस्टरी ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन इन द पंजाब सिंस अनैक्सेशन एंड इन 1882। ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब ने 1971 छापी सी। 598 सफ़ियां की यह किताब है, और इस किताब ने बड़े दर्दनाक खुलासे किए ने कि पंजाब की विरासती विद्यक प्रणाली नष्ट करने लिए इन्होंने किया की है। ये थोड़े खिलाफ़ बहुत कुछ लिखता है, क्योंकि दुश्मन है ना थोड़ा। पर वो जिहड़ा बंदा खिलाफ़ लिख रहा होवे ते लिखदिया लिखदिया आ गल्लां लिख जावे जिहड़ियां मैं तुहानूं दिखाउण लग्गिया, तुसीं अंदाजा ला सकदे हो कि तुहाडे बजुर्गां दा अध्यापन किस पद्धर दा सी। इसकी किताब भी तुहानूं तुहाडे खिलाफ़ लिखिया बड़ा कुछ मिलेगा, क्योंकि दुश्मन है ना पंजाब दी विद्यक प्रणाली नूं खत्म करन लई काम कर रहा है। पर वो लिखदा लिखदा किहो जिहियां गल्लां लिखदा है, इहदियां इह स्लाइड्स ने सारियां उहदी किताब चों इनवर्टड कॉमियां च मैं चक के लिखिया। इत्थे मेरा शब्द नहीं है कोई। ये कहिंदा है कहिंदा मैं पंजाब विच काम करदिआं देखिआ देर वॉज नॉट ए मॉस्क टैंपल और धर्मशाला दैट हैड नॉट ए स्कूल अटैच टू इट। ये अपनी सारी किताब च धर्मशाला शब्द की वरतों करता गुरद्वारा लई। उदों गुरद्वारा शब्द प्रचलित नहीं सी। गुरु साहब ने भी धर्मशाला बनाइया, भाई गुरदास भी लिखते हैं घर घर अंदर धर्मसाल होए कीर्तन सदा वसोआ। वो साढ़े स्थानों उदों धर्मसाल कह के ही पुकारिया बुलाया जाता सी। तो इन्हें भी अपनी किताब ब्रैकट में मैं गुरद्वारा लिखे है तुहानूं समझाउण लई, उन्हें ये शब्द गुरद्वारे लई धर्मशाला ही अपनी सारी किताब च वरतिया। कहिंदा मैनूं पंजाब च कोई मंदिर मसीत जां धर्मशाला नहीं मिली जिहदे नाल स्कूल ना होवे। कहिंदा खालसा दरबार लाहौर मुसलमानां नूं मसीत बनाउण दी आग्या नहीं सी दिंदा, हिंदुआं नूं मंदिर बनाउण दी आग्या नहीं सी दिंदा, ते सिखां नूं धर्मशाला बनाउण दी आग्या नहीं सी दिंदा जदों तक उह स्कूल स्थापित नहीं करदे। मतलब इह लाजमी सी कि पहलां अध्यापन दा काम कीता जावे, फिर तुसीं अपनी धर्म की पूजा लई स्थान बना सकते हो, पर तुहाडे लई पाठशाला बनाउणी सब तो पहला काम है। ये खालसा दरबार लाहौर का बहुत वड्डा विजन सी, और सारिआं नूं अपने धर्म पढ़ाउण दा पूरा अधिकार सी। हिंदू मुसलमान अपने ग्रंथां दा स्कूलां च अध्ययन करवाउंदे सन, और खालसा दरबार लाहौर उन्हां नूं सहायता करदा सी, और सिख अपनी विद्या धर्मशालां विच दिंदे सन। फिर की कहिंदा, कहिंदा असीं की कीता? कहिंदा सब तो पहला इह कीता, एजुकेशन वॉज फर्स्ट डीग्रेडड बाय अस। देखो मैं हुण तुहानूं पूरी तस्वीर दिखा रहा, गुरु नानक साहब तो असीं चले हाँ, दसवें पातशाह का सफ़र किया, बंदा बहादुर का प्लैन, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का प्लैन ए देखिया, प्लैन बी देखिया, हुण वो राज का खात्मा जदों ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, तो हुण ये प्लैन बी तो बाद जिहड़ा अगला नक्शा आउंदा उहनूं असीं कदी इदां नहीं देखिया। उहदा सच ये है, कहिंदा असीं की कीता? उहदा पंजाब मरन वाला नहीं सी, पंजाब नूं किवें मारिया गया? कहिंदा पंजाब वाज फर्स्ट डीग्रेडड बाय अस, एजुकेशन वाज फर्स्ट डीग्रेडड बाय अस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटल एंड मॉरल कल्चर टू ए मीनस फॉर प्योरली वर्ल्डली एंबिशंस। गल समझ आई? कहिंदा विद्या पंजाब की किहो जी सी, ये पढ़ाउंदे सीगे नैतिक कदरां कीतां, इत्थे विद्यकदारां च पढ़ के कोई पैसा कमाउण लई तां पढ़दा ही नहीं सीगा। कहिंदा असीं तां हैरान सीगे वी ये विद्यादारां च पैसा कमाउण लई नहीं सी आउंदे भी पढ़ के पैसे कमावांगे, नहीं पढ़ के पंजाब लई काम करांगे फिर मर मिटांगे लोड़ पई तां। कहिंदा कमाते लोग सीगे।
क्योंकि सरकार ने ढांचा ही योजा बनाता सी हर पिंड चंगी खुराक रहन सहन के चंगे साधन सेहत सेवावान विद्या सुरक्षा सारा कुछ सी। ये तो फिर आए सीगा, देखो पंजाब आए सी जिवें अपना घर नहीं हुंदा, बहुत जायदाद है होर पैसा की करना है ना, बहुत जायदाद है होर की करना है, हुण तां अपने घर नूं सवारीए आए। ये देखो की सीगा, ये इदां एक पंजाब एक परिवार बनाता सी इन्हां ने पढ़ा पढ़ा के भी आपां सारे इको जोत हाँ, किसी नूं भुखमारी नहीं, किसी नूं बीमारी नहीं, किसी नूं कोई होर चिंता नहीं। फिर की करिए हुण, फिर की करिए, फिर की करिए, फिर विकास लई काम करिए, वधिया प्रोडक्ट्स बनाइए, उहनूं एक्सपोर्ट करिए पैसा। और महाराज रणजीत सिंह जदों ना अपना साडा एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त सीगा, पता की लैंदा सी, सोना लैंदा सी उहनां कोलों, पैसा नहीं सी लैंदा क्योंकि उहनां दा पैसा तो बहुत थोड़ा हुंदा सीगा, साड़ी तो कीमत ही बहुत ज़्यादा सी। उन तो पैसा लैके इतों का कपड़ा जाता सी, इतों हथियार जाते सी, बारूद जाता सी, बहुत कुछ इतने बनता सी, मतलब कि हर बंदा काम कर रहा है, किसी नूं रोटी का तो फिक्र ही नहीं। कहिंदी विद्या इहो जी सी वी नैतिक कदरां कीमत और समाज नूं उपर चकना। कहिंदा असीं की कीता, असीं कहिंदा मैंटल ते मॉरल कल्चर खत्म किया, ते कहा विद्या तो हुंदी है वी तू दूजे तो अमीर होवें प्योरली वर्ल्डली मिशन लिए। कह सानू इहदे लई बहुत काम करना पिया, असी लिखदा किताब कहिंदा सानू बहुत मेहनत करनी पई। कहिंदा असी ये देखिया भी सिख कदी गुरद्वारियां विच जा के अपनियां लोड़ां लई अरदास नहीं सी करदे हुंदे, उन्होंने लाया सानू भी इत्थे सुखना सुख लो, इत्थे आ कर लो। वह कहिंदे सी रब मेरा मैनू सब कुछ देण वाला, जिहने धुनी दित्ती आ उहने सब कुछ देना। आही पढ़ते सी बिनत तो होर जे मंगणा सिर दुखां दे दुख, देह नाम संतोखी आ उतरे मन की भुख। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੰਗਣਾ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਟਕਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿੱਖ ਵਿਲੇਜ ਇਨ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਵਨ ਬਿਫੋਰ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੁਡ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਲੇਜ ਚੂੜੀਆਂ ਕਲਾਂ ਇਨ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ 1500, 1882 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਨਲੀ 10% ਨੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਐਂਡ 1 ਉਰਦੂ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ, 11 × 1500 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲੋ 1%, ਹੈ ਨਾ। 1% ਲਈ 11 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, 15 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 1500 ਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ 100% ਸਾਖਰਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈੱਸ ਦੈਨ 1% ਸਾਖਰਤਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੂ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਕ੍ਰਿਪਲਡ ਚੈਕਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੂਲ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਵਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਦਆਊਟ ਵਿਚ ਵਰਨੈਕੂਲਰਸ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬੀਕੇਮ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ। ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਨ ਬਰੀਕ ਤੰਦਾਂ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਕੇਮ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸਿਕਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਸਟ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮਰਗ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਝੱਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੁੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਅਧਿਆਪਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ,
गुरु साहब की गल धर्मां तों वी तहां दी है। गुरु साहब की उडारी तो बहुत वड्डी है। गुरु साहब ने समुचे ब्रह्मांड नूं अपने कलावे दे विच लिया। सो ये लैटनर कहिंदा कि असीं इस भाषा नूं सिर्फ पुजारियां तक सीमित कर दिता। कहिंदा फिर की होया? कहिंदा गुरु शब्द वधदा टीचर्स वास्ते। कहिंदा स्टिल कॉन्टीन्यू टीच द सेक्रेड ग्रंथ थ्रू थाउज़। असीं कहिंदा इहनूं बहुत भाषा नूं खत्म कर दिता पर सिखां ने फिर भी नहीं कम छड्डिया। अध्यापकां ने कहिंदा दे यूज टू टीच सिख बॉयज इन करैक्टर विच कमिट्स टू राइटिंग द वर्ड्स विच केम फ्रॉम द माउथ ऑफ द फाउंडर ऑफ देयर रिलीजन। ये कहिंदा की करदे सी सिख? ये गुरबाणी लिखवाउंदे सी हत्थी। देखो कहिंदा टीचर्स स्टिल कॉन्टीन्यू टू टीच द सेक्रेड ग्रंथ टू थाउजेंड ऑफ सिख बॉयज इन द करैक्टर विच कमिट्स टू राइटिंग द वर्ड्स विच केम फ्रॉम द माउथ ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिलीजन। आप किन्ने क गुरबाणी लिखते हैं सोचो, दसो। आपां तां होर ही कुछ ही रांझा ते कई कुछ करी कुरी जाने हैं ते साढ़े चो किन्नियां ने एक बारी जपजी लिखी आ? वो कहिंदा ये काम करदे सी, लिखवाउंदे हत्थी लिखवाउंदे सी। बट दैन एज नाउ, अज की हो गया, द अल्फाबैट एंड द लैंग्वेज पंजाबी वर नॉट यूज बाय अस फॉर परपज ऑफ एलीमेंटरी सैकूलर इंस्ट्रक्शन। असी कहता एक आवाज़ दी सैकूलर इंस्ट्रक्शन की, वो सैकूलर इंस्ट्रक्शन असी इनू बाहर कढ़ता भी ये सैकूलरिज्म दे विच नहीं आउंदी। कहता तो ये आवाज़ अज भी चलती है। अपने आप को सैकुलर दिखाने वाले ना तो फट्टा ला लेंगे गुरु नानक पब्लिक स्कूल का, पर अंदर गल करते उई बोच बोच के भी कित गल हो ना जाए। गल का दिखावा तो होंगे रहे पर गल ना हो जाए कि क्योंकि ये एक बहुत वड्डा तरीका वो दे गया भी ये क्योंकि गुरु नानक साहब की गल अध्यापन की है, वैल्यूज़ की है। ये वैल्यूज़ एडियां वड्डियां ने ते दूजियां वैल्यूज़ इहदे सामने बौणियां रह जांदियां ने, वह विचारधावां बौणियां रह जांदियां ने ते एक समाज बहुत विकसित कर जांदा है क्योंकि इहदे च प्यार है, प्रेम है, मुहब्बत गुरबाणी पैदा करती है, सारिआं च रब की जोत ते दर्शन करा दिंदी है। कहिंदा फिर असीं की कीता? कहिंदा सिख पढ़ाउंदे रहे इदां ही मैं दस्सिया। कहिंदा आए हो लिखवाउंदे रहे, असीं फिर की काम कीता? कहिंदा ए कंपेन टू बर्न ऑल पंजाबी कैदाज वॉज प्लैंड इन 1858 दैट सर्च ईच एंड एवरी हाउस ऑफ अ विलेज कलैक्टड पंजाबी कैदाज एंड बर्न दैम। कहिंदा फिर असी 1858 भोग ही पाता। कहिंदा फौज की सहायता लई पहला लोगों नूं कहा भी जिदे करे पंजाबी दे कैदे ने सरकार नूं जमा करा दो, सरकार 6 आने देवेगी। जिदे कोले घर कोई हथियार है, कृपान है, बंदूक है, नेजा आ, वह सरकार नूं जमा करा दो, 3 आने देवांगी। हथियार दे के 3 आने ले लो, कैदा है घर कैदा दे जाओ तो 6 आने ले जाओ। कहिंदे जिन्हां ने फिर भी ना दिते, असीं फौजी मुहिम लोगों के संदूक बिस्तरे घर झाड़ झाड़ के पंजाबी दे कैदे कट्ठे किए तो उन्होंने दर्दनाक ढंग 1858 साड़ के उस साहित नूं राख कर दिता गया जिहड़ा साहित सचार मनुखां दी घाट करदा सी, मॉरल वैल्यूज दिंदा सी। सो इस ढंग नाल इहनूं साडे बजुर्गां दे उस अध्यापन दे काम नूं नष्ट किया गया। अज तुहाडे कोले उह है नहीं, भावें तुसीं गुरु अंगद देव कॉलेज पढ़े हो, स्कूल पढ़े हो, पर तुहाडे कोले है नहीं। जी है तो मैं तुहानूं अगली स्लाइड देण लग्गिया, जिहदे सिरों चों 16 नंबर आउणगे हथ खड़ा कर दिओ। ये शब्द मैं तुहाडे सामने रखण लग्गिया, जिहनूं 16 दे 16 आउंदे आ तां हथ खड़े करो। सारिआं नूं आउंदे होणगे, क्यों जी? कोई है जिहड़ा नहीं आउंदा? जिदे 16 चो 15 ने वो खड़े हो जाओ। 16 चो 16 वाले तो सारे ही होंगे, मैंने पता। क्यों जी, कोई 15 वाला तो नहीं है? हुण इहनू पढ़ो, हुण 1616 वाले खड़े होवो। शाबाश, हुण खड़े होवो, हथ खड़ा करो जिन्हों 16 चो 16 आउंदे आ। शाबाश, सोलह चो 16 वाला कौन है जी? हथ खड़ा करो। शाबाश, चलो मैं हुण इहदे मतलब दसदा। आपो अपने नंबर लायो, ठीक है ना? और हिरदा हार्ट तान ताकत गावे को, तान ताकत भान सूरज नवो भान भान ने, रोज पढ़ते हो ना? तेन दुधे ते बाहरी कितने ना आवे काम, गां आस
कृपान नूं भी कहिंदे ने, घड़े नूं घोड़े नूं भी कहिंदे ने। अज अज की हुंदा बकरी, अज के बस गुर कीनो केहर, गज हुंदा हाथी, सूआ हुंदा तोता, सहस की हुंदा है, सहस सियाणपा लख होए, रोज पढ़ते हैं की हुंदा है किन्ना सिंपल है ना, रोज पढ़ते हैं पहली पौड़ी च सहस सियाणपा लख होए, पर सहस नहीं आपां नूं आउंदा कि देखो किड्डा डूंगा वार मार गया। तुसीं गल समझ रहे हो ना मेरी, किन्ना डूंगा वार मार गया, कहिंदा मैं शब्द लोप कर देने, पढ़ी जाणगे बाणी नूं पढ़ी जाण, कहिंदा है ना। पहली पौड़ी है सहस सियाणपा लख होए, की हुंदा सहस 1000, सियाणपा हजार दियां लखां हो जाण, सहस सियाणपा लख होए, हजार दियां सियाणपा लख हो जाण एक ना चले नाल। पंकज चिक्कड़, पंकज मोह पग नहीं चाले, पंकज कमल दे फुल नूं भी कहिंदे आ। कुरंग हिरन सुआन कुत्ता उंदर चूहा, अज कल खास किरम दा सप हुंदा इहनूं पाइथन सप कहिंदे आ, मरकट बांदर ते करहला ऊठ। सो एक उदाहरण है बेटा जी, गुरबाणी दे शब्द अलोप हो गए, हुण की होया, गुरु साहब बोली जांदे आपां नूं फिलन ब्लैंक्स चली जांदे, फिलन ब्लैंक्स चली जांदियां ने, है ना, अद्धी गल समझ आउंदी अद्धी के विचों नहीं आउंदी। उहदे नाल की हुंदा है, वो रस, वो समर्पण, वो गुरु की चाकरी, गुरु का बलिहार ने आप जा ही नहीं सकते, आपां नूं ज्ञान का पता ही नहीं, वो विज्ञान का पता ही नहीं, क्योंकि सानूं गुरु साहब की शब्दावली भुला दिती। ये व्योंतमंदी नाल उन्होंने काम कर दिता है, तो ये अपनी अज की तस्वीर है कि तुसीं इत्थे पढ़े हो, है ना। एक बहुत ही असीं मानते हैं भी ये अदारा एक बहुत वधिया काम कर रहा, वधिया दे विचों बहुत वधिया कर रहा है, पर तुसीं अपने आप नूं असमर्थ समझ रहे हो कि तुहानूं सहस का मतलब नहीं पता, तुहानूं तान का मतलब नहीं पता। इहदा मतलब की है, इहदा मतलब ये है कि आपां नूं रुकना पैणा, आपां नूं सोचना पैणा है। असीं की समझते हाँ भी बच्चे कट्ठे कर ले, पाठ करा लिया, कीर्तन हो गया, मत्था टेक लिया, सिर ढक के रख लिया, आही सारा कुछ है, नहीं है। ये गल तो जो कुछ भी नहीं है, मेरी गल नूं दूरों जाके पकड़ो, नेड़ों ना पकड़ो, इहदे चों गलत कुछ नहीं है, सारा कुछ ही ठीक है, पर संपूर्ण नहीं है। करना यह है कि करैक्टर खड़े करने हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने साडे स्कूल चो बाहर निकलिया होया बच्चा बंद बंद कटवा सकदा है, सूली ते उहनूं चाढ़िया जा सकदा है, पर असीं उहते इन्ना ओ ठप्पा ला के बाहर कढ़न लगे हाँ भी इह सच दी मूरत है, और जदों इह सचार मनुख पैदा होणगे फिर दुनिया तुहाडे चरणां दे आ के डिगेगी, क्योंकि सानूं तां किसे दी राज दी लोचा ही नहीं है, सानूं तां किसे नूं कष्ट देण दा मन दा ख्याल ही नहीं है। राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ मन प्रीत चरण कमलारे, असीं तां रब दे प्रेम च रहण वाले हाँ, तो फिर जदों ये बच्चे पढ़ के समाज विच जाणगे तां फिर इन्हां बच्चियां दे नाल समाज सोहणा बनेगा, खुशबू आवेगी। सिर्फ एक सिख का अफसर बन जाना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई आपां भी सिख अफसर बन गया जी तां की हो गया, जदों अकाल तख्त साहिब ढाया उदों भी सिख राष्ट्रपति सीगा, की लैणा इहो जिहे सिख तों, हजारा नौजवानों का घाण करन वाला भी एक सिख ही सी, की लैणा इहो जिहे सिख, मरिया हुई जमीरां नहीं चाहीदियां, जागदा एक ही बहुत है। वो पैदा होया कि नहीं वह महत्वपूर्ण है, फिर आप किमें करिए, फिर की करिए। मैं लिखिया गल नहीं, दोबारा पढ़ो, गल नहीं, गल नहीं, हुण तक आप गल्लां कीतियां ने सारियां, है ना, सिर्फ हल तक पहुँचण दे लई। हुण आपां पुत्तर जी हल वल वधांगे, अगलियां स्लाइड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस करके ने कि हुण तक तो आपां गल कीती है, गुरु नानक साहब तो गल शुरू कीती, फिर मैं एक झात दवांगा दसां जामियां दा एक पक्ष है। गुरु साहब दे जाण तों पहली व्योंतबंदी ते काम बाबा बंदा सिंह बहादुर कर गए, वड्डा काम कर गए। दूजी व्योंतबंदी ते भाई दरबारा सिंह तो अगे नवाब कपूर सिंह, जसा सिंह, आलू वाली अकाली, बाबा फूला सिंह काम कर गए। उदों बाद काम कर गया लैटनर, ठीक है, की कर गया वो, आ कर गया कि सानू आ नीले वाले तो आते हैं, काले वाले भुला गया, और नीले वाले अक्षरों में कोई भी अक्षर पंजाबी का नहीं, पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की पंजाबी की डिक्शनरी भी सारे ही है, किड्डा वड्डा भोग पा गया, इनू कहिंदे भोग पाउणा, खत्म करना, पतन करना, तो औरत हाँ वो डिक्शनरी है ही नहीं, जिहड़े शब्द मके ज्ञान दे विज्ञान दे भाषावां दे मालक गुरु नानक साहब 36 महापुरखां दी जवान चों उतरे ने, उह शब्द पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दी पंजाबी दी डिक्शनरी च नहीं हैगे, पर जिहड़े
शब्द पंजाबी दे नहीं अंग्रेजी दे शब्द ने, वो अंग्रेजी दे शब्द पंजाबी उसी पटियाली डिक्शनरी विच ने, उस भाषावां शब्दां दा आदान प्रदान करदियां ने। साडे वेड़े अंग्रेजी वाले आ गए, सानूं ये भी परवान ने, पर सानूं ये परवान नहीं कि साडे वेड़ियों जिहड़े शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च लिखे ने तुसीं उहनां नूं कढ के बाहर रख दिवो, ये परवान नहीं करांगे। ये काम आपां ने हुण करना गुरु अंगद देव कॉलेज विच, बाबा गुरमुख सिंह उत्तम सिंह सीनियर सैकेंडरी स्कूल च, हुण गल नहीं हल करिए। अंग्रेजी कहिंदे आ डोंट टॉक द टॉक, लैट्स वॉक द वॉक। हुण हथ खड़े करो, जे तुसीं वॉक द वॉक करनी है तां अगली गल करा, नहीं तां आपां भोग पा दईए ते गल दा क्यों जी। जिहड़े लैट्स वॉक द वॉक करनी चाहुंदे हथ खड़ा करो जी, जिहड़े चाहुंदे आपां हल करांगे। शाबाश, सचमुची चाहुंदे हो फिर बांह पूरी खड़ी करो, आए खड़ी करो दोनों, पता लगे भी कोई एवं खड़ा किया सी एवं, ये नहीं गुआढ़ी ने सज्जे ने करता खब्बे ने करता मैं भी करता है ना, चकारा छोड़ो फिर। आ भाई साहब कैमरे वाला नहीं हथ खड़ा किया, की गल नहीं करना जी, नहीं जरूरी नहीं करना, हथ खड़ा करना जरूरी नहीं है, मैं उन्हें याद कराया भी करना चाहते हो हल, कहते करना चाहते हो भी, जो नहीं करा वो थले कर लो, जिहड़ा नहीं कोई लाजमी नहीं सारे ने खड़ा करना, जिन्हें हल नहीं करना वो थले कर लो, जिन्हें हल करना मैं लग्या छड़न जकारा, तो गुरु अंगद साहब ने पूछ लेना भी छड़िया सी जकारा तुसी ते मैनू जवाब दो की कीता। बोले सो निहाल। सो हुण आपां ने गुरु साहब के चरणा च रखना सीस गुरु अंगद साहब दे, हुण लैट्स वॉक द वॉक, गल नहीं हल करिए। हुण हल किवें करना, एक साइड मैं तुहानूं आ दिखाउणी है, बस आही करना है। इन्हें की किया सी, कहिंदा एजुकेशन वाज डिग्रेडेड बाय अस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटल एंड मॉरल कल्चर टू मीन्स फॉर प्योरली वर्ल्डली एंबिशंस। असीं की करना है, असीं उल्टावां हल मारना है। उल्टावां हल पता की हुंदा है, पिंडां च हुंदा अजकल तां अंग्रेजी नूं मोल्ड बोल्ड प्लो कहिंदे आ, उह थल्ले वाली मिट्टी जाके पुट्ठे मारदा आए मुंडा चलदा है ना, उल्टावां हल नूं कहिंदे आ। आपां उल्टावां हल आए मारना है, अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्योरली वर्ल्डली एंबिशंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटल एंड मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी, टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटल एंड मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी। असी पुत्र जी पैसे कमाउण वालियां मशीना, उची बोलो पैसे कमाउण वालियां मशीना, पैसे कमाउण वालियां मशीना, जिहड़े हौली बोलदे उन्होंने बना फिर बोलो, थोड़ा हिम्मत करो ना कहण दी। असी पैसे कमाउण वालियां मशीना, वो पैसा साडे पैरां दी जुत्ती है। गुरु साहब कहिंदे तां माया तां मगर मगर तुरी फिरदी है, इहनूं असीं अपने उपर नहीं चढ़न देना, इह तां साडी दासी है। सानूं गुरु साहब ने दुनिया के नौ दे खजाने रोज नहीं पढ़ते, सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकर कर तल धरिया। रात नूं दरबार साहब तो सहि सुनीए ना, ग्रंथी सिंह किन्ने प्यार नाल बोल रहा हुंदा इस पंक्ति ते आ के ना, ये पुरातन जिहड़ियां मर्यादावां बणियां ये राज ने कोई। देखो जो आ पंक्ति पढ़ते ना एक वखरा ही अंदाज होंदा, सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकर कर तल धरिया। इदां दी आवाज आउंदी ना दरबार साहब तो, एक रहरा सुनो क्यों आउंदी है, बड़ा वड्डा सुनेहा। वो किधर तुरिया फिरदा, ये तो मेरे पिता जी दे तड़ी दे गोदी चढ़ते चक लै। पैसा कि खेड है, खेड तो आया मेंटल एंड मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी, जिम्मेवारी नैतिक ते दिमागी जिम्मेवारी। जिम्मेवारी की है, जो लैटनर ने किया मैं उहदा उल्टावां हल मारना है, ये जिम्मेवारी है। हुण ये काम करन दे लई मैनूं नौकरी छड्डनी पवे छड्डांगा, मैनूं अक्क खाणा पवे खावांगा, इस काम करन दे लई मैनूं रोड़ां ते सोणा पवे सोवांगा, ये हल है। नतीजा आ निकलना चाहीदा है तुहाडे अध्यापन दे विच्चों, सचार मनुखां दे काफले दी सजना की होना चाहिए, की होना चाहिए, नतीजा ये नहीं होना चाहिए किन्या दे 90% नंबर आए, किन्या दे 90 आए, कि इस कतार विच खड़न वाले विद्यार्थी पैदा होए ने कि नहीं होए, जे नहीं होए फिर गल गलत है। सो एक किवें करिए, हल किवें करिए। पुत्र जी इहदे लई एक नवेकला पाठक्रम चाहिए, जिहड़ा पाठक्रम आपां पढ़दे आ इहदे वस दी खेड नहीं हैगी, इहदे वस च नहीं हैगा काम, ये जिहड़ा आपां पढ़ी जांदे आ नवेकला पाठक्रम। सो मैं तुहानूं सिर्फ गल्लां नहीं करनियां, हल देने ने, आत्म प्रकाश ने इहदा हल पैदा कीता है। ये गुरमुखी अखर ज्ञान साडी किताब है, मैं तुहानूं थोड़ियां ही स्लाइड्स विच झात देनी है। आपां पंजाबी पढ़ाउणी आ बच्चे नूं, है ना, साडा विरसा इदां पढ़ा दित्ता जावे जिवें आपां खंड च
घोल के है ना सहजे सहजे बच्चे चीज़ा दने उड़ा उर पढ़ा दिता उन्होंने इतों ही लग गया पता भी दिल हों जो पढ़ूगा हर का नाम रखो और धार फिर वो दिल च मुंडिया कुड़ियाँ तस्वीर नहीं लाता फिरूगा उन्होंने इतने लग गया पता दिल में तो परमेश्वर का नाम रखना है हर का नाम दिल च रखने वाली चीज़ की है प्रभु का नाम उदू थले तो दिल च गंद ही है जो मर्जी रख लो फिर तुम आड़ा अस घोड़ा सूआ तोता सुआन कुत्ता ये शब्दावली पहला आऊगी तो फिर वह वाक बनाऊगा तो वह गुरबाणी कक्का कुंचर कक्का कड़ा पप्पा पग पप्पा पंकज इस ढंग है ना फिर आप बच्चे दर बल बन सद जन मुक्ता पढ़ा ये शब्द पढ़ा दते फिर वाक की दते सबर कर मस्तक धर हर दम भजन कर तन मन धन अर्पण करो तुम अध्यापक बनना अगे जाके पढ़ा मतलब कि यह एक नवेकला ढंग है ये आत्म प्रकाश ने नवेकला सिलेबस खड़ा किया कन्ना पढ़ा भब्बे कन्ना नन्ना भान सूरज गल समझ आ गई हूँ पढ़ा नमो भान भाने तो पता लग्या भी सूरजां दी सूरज की गल हो रही है असी नमस्कार कर रहे हैं सूरजां दा सुर अकाल पुरख जिहड़ा सारे सूरजां नूं भी ताकत दिंदा है ना फिर कन्ना पढ़ा खाना खा दस्तार सजा शब्द गा पाठ याद कर काल ना कर तान नाल वार कर हर जाप अरदास कर भाणा प्रवान कर परमात्मा का नाम जाप सब का भला कर अपना कार्य आप सवार ये मैं तुम्हें कन्ने के वाक पढ़ा रहा मैं सब तुम तरीका दे रहा भी इदा के सिलेबस की लड़ है मैं यदि विस्थार नहीं जा रहा यह 24 पुस्तक ने यह नर्सरी तो लैके 9वीं तक का एक गुलदस्ता गुरु पिता जी ने तैयार करवाया जो आत्म प्रकाश ने प्रकाश किया और 400 तो वध स्कूल इन किताबों अपने पाठक्रम शामिल कर चुके ने सो ये तुहानू पता होवे साहित्य नू पढ़ो जिथे जाके तुसी नौकरियां करोगे उन्हां स्कूलों साहित्य नू शामिल कराओ बाहर असी प्रदर्शनी किताबां रखियां होनियां ने तुहाडे मैडम नू भी असी अगे एक सैट दित्ता असी होर दे जावांगे तुहाडी लाइब्रेरी च रख लवो उहनू पढ़ो ते इहनू जिथे भी जाके तुसी नौकरी करो उत्थे इह साहित्य नू पढ़ाओ सो हल करन दे लई पहला काम तां नवेकला पाठक्रम ये असी 70 किताबों पर कम चल रहा गुरु पिता जी कृपा करन असी बच्चे का मुकम्मल बस्ता बदल रहे हैं वो किताब अंग्रेजी की है वह हिंदी की है वह गणित की किताब है वह साइंस की किताब है वह सारिया किताबों उत्ते कम चल रहे हैं ताकि पाठक्रम के सिर्फ वैल्यूज होन गंद मंद जो पाठक्रम के ना हो दूसरा है अध्यापक की सिखलाई वैसे तो सरकार ने बड़ा वधिया एक कोर्स बनाया हुआ बी एड का मतलब ये होंदा है भी हुण अध्यापक की सिखलाई पर मैनू कहण च कोई झिझक नहीं है ये सिखलाई करन दे बाद भी जिहड़ा अध्यापन करना चाहीदा है जिहड़ी सिक्ख्या होनी चाहीदी है इन्हां कोर्सां च अध्यापन की विद्या नहीं मिलती अध्यापकां नूं सो अध्यापकां की विशेष सिखलाई होनी जरूरी है आप अज गल आरंभ की है मैडम समय अपन यदा कोर्स भी खड़ा करांगे ये बड़ा वड्डा काम करना जरूरी है अध्यापकों किवें सिखाउणा हैगा सो नैट प्रोडक्ट की आवे जदों कि वड्डियां कंपनियां वड्डे अहुदेदार वड्डे सियाने बंदे बहिंदे ने वो व्योंतबंदी करन तो पहला ये सोचदे आ भी आपां व्योंतबंदी करन दा मतलब यह है कि व्योंतबंदी तो बाद चीज़ की कढ़नी है चीज़ आपां ने आ कढ़नी है विचों सचार मनुखां दी घाड़त जे सचार मनुख नहीं है पैदा कर सके अध्यापकों समझ लो असी बहुत वड्डे कातल हाँ समाज के क्योंकि तुम समाज में उन्होंने लोगों को भेज रहे हो जिन्हें बंदियां किरदार का इलदा ना कोको नहीं आता ये हुण जाके बच्चों पढ़ाउणगे तो बच्चों का बेड़ा गर्क करनगे फिर वो देश का बेड़ा गर्क करनगे फिर लोग सानू थू थू करनगे तो इस करके अध्यापकों का अध्यापन इदां दा होवे कि अध्यापकों का रोल मॉडल सिर्फ एक ही अध्यापक है गुरु नानक साहब अध्यापक का रोल मॉडल होंगे गुरु नानक साहब तो यह गल अध्यापक जिवें बुढ़ियां गंढ बन के जांदियां ना बी एड की डिग्री मिलेगी उदन गंढ बन के लैके जाएंगे अध्यापक कि जदों तक असी अपने सुख नहीं त्यागते उदों तक अध्यापन नहीं कर पावांगे बिना निजी सुख त्यागे लुकाई का भला संभव नहीं क्योंकि तुसीं जीवन बदलने ने यह नहीं किताब जो लिखे जवाक नूं पढ़ाया टिक ला के नंबर दते अध्यापक हो गया नहीं तुसीं घोल के पलाउणा है तुसी किरदार खड़ा करना है ये इमारतों की उसारी तो ठेकियां ते हो सकती है पर किरदार कदी ठेकियां ते नहीं उसारे जा सकते अज अध्यापक भी ठेकियां ते काम करते हैं बच्चों मापे भी ठेकियां ते कभी ट्यूशन दे छड़ता कभी उत्थे छड़ता यह सारा ठेका ही दिता जा रहा है किरदार खड़ा करना बहुत वड्डा काम है सो आप अज कुछ मुढ़लियां गल्लां कीतियां कि अध्यापक ने अपने जीवन नूं इस ढंग नाल घड़ना है कि वह लुकाई का भला करन दी समर्था कर सके और अपना निजी सुख त्यागण लई तैयार रहे विद्यार्थियों की नवेकली घाट तीसरा काम